हेलो एवरीवन वेलकम टू जहां आपको 100 फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है मतलब यहां आपको एक या दो चैप्टर पढ़ने के बाद किसी भी तरीके का कोई पेमेंट करने की नीड बिल्कुल नहीं होती है साथ ही आप यहां पर सीयूटी एन टी एस सी ओलम्पियाड जैसे कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन भी कर सकते हो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सो इसी अच्छी बात से स्टार्ट कर लेते हैं आज की इस वीडियो को दिस इज प्रोफेसर बरखा गुप्ता योर आई एजुकेटर फॉर क्लास नाइन्थ क्लास नाइन्थ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बुक कोड फोर जीरो टू का पार्ट बी सब्जेक्ट स्किल्स को हम कंटिन्यू कर रहे हैं जिसका आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं हम चैप्टर नंबर टू का कंप्लीट चैप्टर रिविजन स्टूडेंट्स यूजिंग डेटा एट्री टूल्स जो कि आपकी बुक में पार्ट बी में चैप्टर नंबर टू दिया हुआ है हो बा सभी ने वीडियो देखी होगी सारी चैप्टर्स की क्योंकि आज के इस वीडियो में हम इसका रिविजन डिस्कस करेंगे यदि कोई डाउट है आपका तो आज के इस वीडियो से वो डाउट आपका सॉल्व हो जाने वाला है मतलब हम पूरे चैप्टर को एक वीडियो में आज कवर करने वाले हैं जिससे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे राइट सो so, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो को अब वीडियो स्टार्ट करने के पहले एक चीज और हम समझ लें कि इस बुक का क्लास नाइन थर्टी का पार्ट ए इम्प्लॉएबिलिटी स्किल्स हम पूरा कंप्लीट कर चुके हैं जिसमें हमने सारी यूनिट्स चैप्टर वन टू एटीन कंप्लीट कर लिया है ठीक है अब यहां पर हमने इन सभी चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स असिस्में क्वेश्चन आंसर वन शॉर्ट रिविजन सभी कंप्लीट कर लिया है। जो स्टूडेंट्स पहली बार वीडियो देख रहे हैं सारे वीडियो लेक्चर्स को आप एक्सेस कर सकते हो यूट्यूब प्लेलिस्ट के थ्रू भी लिंक मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर मैग्नेट वेबसाइट के थ्रू या फिर आप मोबाइल ऐप के थ्रू भी प्ले स्टोर से उसे डाउनलोड करके सारे

ठीक है, सो ये जब चीजें नहीं हुआ करती थी तो उसके पहले आप कम्युनिकेट कर पाते थे किसी के भी साथ वर्बली ओरली मिलकर कम्युनिकेट कर पाते थे या फिर आप अपने ड्रॉइंग पेंटिंग इमोशंस है ना म्यूजिक के थ्रू हर तरीके से आप किसी के भी साथ कम्युनिकेट कर सकते हो है ना सो वी ऑल इंडिया मीडियम टू कम्युनिकेट आर थॉट्स टू अदर्स द प्रमिटिव वे ऑफ कम्युनिकेटिंग आर था इंक्लूड राइटिंग ड्राॅइंग पेंटिंग स्केचिंग डांसिंग एंड मच मोर बट विद द एडवेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम द मीडियम कम्युनिकेट है कंप्यूटर सिस्टम एडवेंट हुए तो कम्युनिकेशन करने का जो तरीका है वो बदल गया आप राइटिंग के बजाय आप कैसे कम्युनिकेट कर पाते हो आजकल टाइपिंग का यूज करके मतलब आप व्हाट्सएप इंस्टा मैसेंजर्स वगैरह का यूज करते हो वीडियो कॉलिंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का यूज करते हो है ना सो so कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन करने का तरीका बदल गया कंप्यूटर सिस्टम इज अ स्मार्ट मशीन बट इट्स ओन ब्रेन एंड दस वर्क ऑन द इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड टू इट बाई द यूजर कंप्यूटर सिस्टम एक स्मार्ट मशीन है बट उसका खुद का ब्रेन नहीं होता है जो इंस्ट्रक्शन आप उसमें देते हो जैसा आप उसमें इनपुट करते हो वो उसी के अकॉर्डिंग प्रोसेस करके आपको रिजल्ट रिटर्न करता है ये हमने बेसिकली देखा सो दीज इंस्ट्रक्शन दीज इनपुटन थ्रू सम इनपुट डिवाइसेज टू गेट द डिजायर टू गेट द डिजायर रिजल्ट एज एन आउटपुट और यही इंस्ट्रक्शन आप किसी इनपुट डिवाइस के थ्रू देते हो और वो इनपुट डिवाइसेस के थ्रू जो भी इनपुट जाता है प्रोसेस होता है उसके बाद आपको डिजायर्ड आउटपुट मिलता है सो दिस प्रोसेस इज नोन एज आई पी ओ दैट इज इनपुट प्रोसेस एंड आउटपुट कंप्यूटर so, डिवाइसेस जो होते हैं वो बेसिकली आईपीओ साइकिल पर बेस्ड होते हैं हम किसके थ्रू इनपुट करते हो आप या तो तोर्ड के थ्रू या माउस के थ्रू और बहुत सारे इनपुट डिवाइसेस uh, होते हैं तो की के थ्रू जो भी आप इनपुट करते हो वो इनपुट होता है और सीपीओ के पास जाता है सीपीओ क्या करता है इसे प्रोसेस करता है सीपीयू इसे प्रोसेस करता है प्रोसेस करने के बाद मॉनिटर पर आपको क्या होता है आउटपुट शो होता है राइट right. सो so, इस चैप्टर में बेसिकली हमें डेटा एंट्री टूल्स में यही समझना है कि कीबोर्ड इनपुट डिवाइस का यूज किया जाता है डेटा एंट्री के लिए इसके अलावा भी और कौन कौन से कीबोर्ड के अलावा भी कौन कौन से इनपुट डिवाइसेज होते हैं सो देर आर मेनी इनपुट डिवाइसेस अवेलेबल इन द मार्केट सच एज द माउस कीबोर्ड टच स्क्रीन लाइट पेन एक्सेट्रा बट द मोस्ट कॉमनली यूज इज द की कंप्यूटर में डेटा एंटर करने के लिए जरूरी नहीं है कि आप कीबोर्ड के थ्रू ही डेटा एंटर करो हम डिफरेंट टाइप का डेटा एंटर करते हैं करते हैं आप ऑडियो फॉर्मेट में डेटा एंटर करते हो वीडियो फॉर्मेट में डेटा एंटर कर सकते हो ठीक है आप ग्राफिक्स के फॉर्मेट में डेटा एंटर करते हो ठीक है आप किसी इमेज को स्कैन करवा के भी डेटा एंटर कर सकते हो लाइक like, आप बायोमेट्रिक के बायोमेट्रिक सेंसर्स के थ्रू आप अपने सेंस ऑर्गन्स को भी कंप्यूटर सिस्टम तक इनपुट कर सकते हो है ना लाइक like, आपके रेटिना स्कैन आपके थम प्रिंट फिंगर प्रिंट्स वगैरह आप स्कैन करवा सकते हो और कंप्यूटर सिस्टम में इनपुट कर सकते हो सो so, ये बेसिकली सारे तरीके होते हैं डेटा को इनपुट करने के तो डेटा किसी भी टाइप का हो सकता है ऑडियो वीडियो टेक्सचुअल ग्राफिक्स के फॉर्मेट में है ना सो so, इसके लिए डिफरेंट टाइप के इनपुट डिवाइसेस होते हैं जैसे कि आपको यहाँ डायग्राम में दिख रहा है कीबोर्ड ग्राफिक पैड वैप कैम माउस स्कैनर जॉयस्टिक ट्रैक बॉल डिजिटल कैमरा माइक्रोफोन माइक्रोफोन के थ्रू आप वॉइस इनपुट करते हो डिजिटल कैमरा के थ्रू आप ग्राफिक्स पिक्चर्स को इनपुट कर सकते हो ट्रैक बॉल के थ्रू एक पॉइंटिंग डिवाइस होता है आप कुछ सिलेक्शन करवा सकते हो आप कोई हम बोल सकते हैं कि ऑब्जेक्ट्स को इनपुट करवा सकते हो राइट ड्रैग एंड ड्रॉप वगैरह ये कर सकते हो लाइक माउस भी ऐसे ही होता होता है है स्कैनर स्कैनर के के थ्रू थ्रू आप आप किसी भी टेक्सचुअल या फिर इमेजेस uh, वगैरह को इनपुट कर सकते हो जॉयस्टिक ऐसी पॉइंटिंग डिवाइस होता है वैप कैम होता है ग्राफिक पैड होता है की होता, होता, होता है जिसके थ्रू आप डेटा को एंटर कर सकते हो लाइक like, आप टेक्सचुअल डेटा एंटर कर सकते हो राइट सो so, इतने टाइप के इनपुट डिवाइसेज होते हैं लेकिन जैसे कि चैप्टर का नाम आपको पता चल रहा है डेटा एंट्री टूल्स तो इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे जैसे

ठीक है जिनके अपने अपने अलग अलग फंक्शन होते हैं की आपका बेस्ड होता है क्वर्टी पैटर्न पर मतलब की जो जनरल की हम यूज करते हैं वो किस पर बेस्ड होता है क्वर्टी पैटर्न पर बेस्ड होता है तो क्वर्टी की इज मोस्ट कॉमनली यूज की जनरली हम इसी टाइप की बोर्ड का यूज करते हैं ठीक है दिस की बोर्ड आर सिमिलर टू इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर की बोर्ड्स सम एडिशनल कीज ठीक है इलेक्ट्रॉनिक जो टाइप राइटर होता है बिल्कुल वैसे ही कीबोर्ड होता है इसी के थ्रू आप डेटा को एंटर कर पाते हो स्टैंडर्ड की बोर्ड जनरली हैज वन जीरो फोर एक स्टैंडर्ड की बोर्ड में कितने नंबर ऑफ कीज अवेलेबल होती है वन जीरो फोर कीज होती है ये सब एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है राइट right? यदि हम डेस्कटॉप पीसी की बात कर लें डेस्कटॉप कंप्यूटर की बात कर लें सो की बोर्ड काम सेपरेटली वेर एज इन अ लैपटॉप एंड नोटबुक इट इज एम्बेडेड विद द मेन यूनिट्स ठीक है समझ में आ गया यदि डेस्कटॉप पीसी की बात करें तो उसमें आपको क्या होता है कीबोर्ड और माउस वगैरह जो होते हैं वो सेपरेटली मिलते हैं एक अलग से डिवाइस के फॉर्मेट में इनपुट डिवाइस के फॉर्मेट है लेकिन वही हम लैपटॉप की नोटबुक की बात कर लें तो आपको की और माउस uh, वगैरह जो होते हैं वो डिवाइस आपको एम्बेडेड मिल जाते हैं है, है ना वहाँ पर आप अलग से अटैच भी कर सकते हो बाकी एम्बेडेड आते हैं

है ना तो कुछ सीखने के लिए हमें उसका नॉलेज होना जरूरी होता है तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपका जो कीबोर्ड है वो किस पैटर्न पे बना हुआ है कितनी कीज अवेलेबल है कौन कौन से टाइप की कीज होती हैं आपको प्रॉपर फिंगर रखना है तो बोर्ड का जस्ट लुकआउट है, है ना अब यहाँ ध्यान से देखो इस पर्टिकुलर थिंग में कि आपकी जो फिंगर्स होती है वो किन किन कीज के अकॉर्डिंग सेट होना चाहिए कि आपकी जो मिडिल फिंगर है लिटिल फिंगर है इंडेक्स फिंगर है रिंग फिंगर है थम्ब है उनसे कौन सी कीज आपको प्रेस करनी है है ना जब आपको टाइपिंग सीखना है तो ये आपको फिंगर बहुत अच्छे से सारी चीजें डिपेक्ट करेगा जितनी भी रेड कलर की लिटिल फिंगर के थ्रू प्रेस होंगी जितनी भी ऑरेंज कीज है वो आपकी जो रिंग फिंगर है उसके प्रेस होंगी। जितनी भी ग्रीन कीज आपको दिख रही है वो आपको जो आपकी मिडिल फिंगर होगी इसके थ्रू आपको प्रेस करनी है और जितनी भी ब्लू कीज है वो आपको इंडेक्स फिंगर से प्रेस करनी है ठीक है थम्ब से आपको क्या प्रेस करना है स्पेस बार की को प्रेस करना है दोनों थम्ब से सिमिलरली इधर आपको पर्पल ब्लू और येलो और ग्रीन कलर की कीज दिख रही है लेफ्ट और राइट हैंड से तो ये कुछ तरीके होते हैं जिसके थ्रू आप इन कीज को प्रेस कर सकते हो राइट और ये क्या होते हैं कैसे करना है इनको यूज ये सब हम आगे वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं क्लियर समझ में आ गया अभी हमने सिर्फ कीबोर्ड के बारे में समझा है अब हम देख लेते हैं कीबोर्ड के डिफरेंट टाइप की कीज कौन कौन सी होती है यदि एग्जाम में आता है राइट शॉर्ट नोट ऑन कीबोर्ड तो जितना मैंने अभी तक बढ़ाया उतना आप लिखकर आसानी से आ सकते हो कि कीबोर्ड क्या होता है एक इनपुट डिवाइस होता है जिसके थ्रू आप डेटा को एंटर कर सकते हो डिफरेंट टाइप के कैरेक्टर लेटर्स नंबर्स फंक्शन कीज उसमें प्रेजेंट होती है वन जीरो फोर स्टैंडर्ड की बोर्ड में कीज होती है कीबोर्ड हमेशा आपको क्वालिटी पैटर्न पर मिलता है जिसके थ्रू आप इजिली टाइपिंग सीख सकते हो ठीक है अब कितने टाइप की कीज़ होती है बेसिकली वो देख लेते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है देखो एनी स्टैंडर्ड कंप्यूटर की वोड इज डिवाइडेड इंटू फॉलोइंग कैटेगरीज तो ये कैटेगरीज आपको यहाँ पे समझ में आई है अच्छा से की सभी ने देखा है ना डन चलो so, सबसे पहले जो आपको टॉप पे दिखती है वो कहलाती है आपकी फंक्शनल कीज जिसमें F1, F2, F3, F4 टिल तक कीज प्रेजेंट होती है, है ना इनका अपना ही अलग एक रोल होता है ठीक है ये अलग से फंक्शन परफॉर्म करती हैं जैसे फाइल को आपको ओपन करना है फाइल को सेव करना है अपने कंप्यूटर सिस्टम को रिफ्रेश करना है तो ऐसे कुछ फंक्शन जब आपको परफॉर्म करवाने है, तो आप इन कीज का यूज करते हो क्लियर समझ में आ गया एफ F1 वन से एफ ट्वेल्व तक फंक्शनल कीज होती हैं जिनका स्पेसिफिक फंक्शनल टास्क होता है परफॉर्म करने के लिए क्लियर उसके बाद आ जाओ नीचे देखो यहाँ पे आपको ये जो चीज दिख रही है पूरी इसमें कुछ कीज डिवाइडेड है यहाँ पे आपको कुछ अल्फा न्युमारिक कीज दिखेंगे अल्फानेिक कीज, अल्फा कीज मतलब इनकी बात कर रहे हैं हम ये सारी जो येलो कलर से आपको कैप्ट दिख रही है ना ठीक है ये आपके अल्फा न्यूमारिक कीज की कैटेगरी में आती है जो मैंने यहाँ बनाया है ठीक है येलो कलर की जो कैटेगरी में दिख रही है ये जो अल्फा न्यूमारिक कीज होती है ये अल्फा न्यूमारिक कीज में आपको a to z कैरेक्टर्स दिखते हैं और 0 to 9 नंबर्स दिखते हैं मतलब a to z अल्फाबेट्स और 0 to 9 नंबर्स तो इन दोनों को मिलाकर के बन गई आपकी अल्फा न्यूमेरिक कीज ठीक है जिसमें किस पैटर्न पे आपको ये अल्फाबेट्स अरेंज मिलते हैं क्वाली पैटर्न देखो स्टार्टिंग का क्यों बोलते हैं इसको Q -W -E -R -T -Y. स्टार्टिंग में जो अल्फाबेट्स आपको देख रहे दिख रहे हैं वो एबीसीडी से स्टार्ट होते हुए नहीं दिख रहे इस तरीके से दिख रहे हैं अब ये इस तरीके से क्यों अरेंज होते हैं ताकि आप इजी वे में फटाफट टाइपिंग कर सको जब आप टाइपिंग सीखते हो ना तो आपको ये जो पैटर्न है ये पैटर्न आपको हेल्प करता है ताकि आप फास्ट वे में वर्ड को फॉर्म कर सको फटाफट टाइप कर सको राइट वर्ड को इजी वे में बना सको क्लियर तो ये क्वर्टी पैटर्न पर कीबोर्ड आपका बेस्ड होता है वो क्वर्टी पैटर्न के अकॉर्डिंग आपको तीन रो में अल्फाबेट्स दिखते हैं

ये होगा आपके नंबर की समझ में आ गया मतलब यहाँ पर आपको भी देखेंगे। साथ ही इनके इन नंबर के साथ देखो आपको पंक्चुएशन मार्क एट द रेट हैश डॉलर परसेंटेज एंड स्टार पैरेंथिस वगैरह प्लस माइनस ये सारे स्पेशल uh, कैरेक्टर्स भी दिखेंगे इन्हें क्या बोलते हैं हम स्पेशल कैरेक्टर्स कहते हैं सो बेसिकली इन्हें हम क्या कहेंगे पंक्चुएशन और स्पेशल कैरेक्टर कीज कहेंगे ये जितने भी मैंने अभी आपको बताया एट हैश डॉलर परसेंटेज ये स्पेशल कैरेक्टर्स की कैटेगरी में आ जाते हैं किसमें स्पेशल कैरेक्टर्स की कैटेगरी में राइट right? तो अल्फा न्यूमारिक कीज फंक्शनल कीज पंक्चुएशन कीज और स्पेशल कैरेक्टर कीज हमें अच्छे से समझ में आ गई अब हम डिस्कस करते हैं इसके बाद सबसे लास्ट में देखो आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे लॉक शिफ्ट कंट्रोल ऑल्ट मेन्यू बार है ना विंडोज की स्पेस बार ऑल्ट इधर भी आपको स्पेस बार मेन्यू की कंट्रोल शिफ्ट एंटर बैकस्पेस स्पेस ये दिख रही है ये कहलाती है कुछ स्पेशल टाइप ऑफ कीज़ क्या कहलाती है ये स्पेशल टाइप ऑफ कीज ये बेसिकली कॉम्बिनेशन की भी कहलाती हो मतलब तो आप फाइल को कॉपी कर लेते हो आपको पता है तो यहां कीज को यूज कर रहे हो ना कंट्रोल के साथ एफ यूज कर लेते हो राइट ऑल्ट के साथ आप और अदर कीज का भी यूज कर सकते हो कंट्रोल के साथ आप एक्स का भी यूज कर सकते हो कंट्रोल शिफ्ट डिलीट का भी यूज कर सकते हो सो कॉम्बिनेशन की जो बिना वर्क नहीं करती हैं कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट को यदि आप सिंपल प्रेस करोगे तो कुछ भी नहीं होगा जब इनको आप किसी और कीज के साथ में प्रेस करोगे तब ये अपना फंक्शन परफॉर्म करेगी दैट्स व्हाई वी कैन से दिस इज दिस कीज आर कॉम्बिनेशन कीज राइट समझ में आ गया हम इन्हें स्पेशल कीज भी कह सकते हैं इसके बाद आ जाओ टॉगल कीज पर तो टॉगल कीज आपकी तीन कीज कहलाती हैं ये याद रखना टॉगल कीज तीन होती हैं टॉगल कीज का मतलब क्या हुआ कैप्स लॉक नम लॉक और स्क्रॉल लॉक कैप्स लॉक नम लॉक स्क्रॉल लॉक ये तीन आपकी टॉगल कीज कहलाती हैं ठीक है मतलब यदि आपको लेटर्स को अपर केस में शो करवाना है या आपको सिर्फ नंबर ही नंबर प्रिंट करवाना है या आपको स्क्रीन को बिना माउस का यूज किए अप डाउन मूव करवाना है तो हम इन टॉगल कीज का यूज करते हैं और ये टॉगल की जब आप ऑन ऑफ करते हो तो इनके टॉगल की के इंडिकेटर्स होते हैं एकदम राइट right साइड पर टॉप पर की बोर्ड के सो so यहाँ पे जैसे ही आप कोई सी भी की टॉगल की को ऑन या ऑफ करते हो तो यहाँ पे एक इंडिकेटर होता है एक लाइट होती है छोटी सी जो की बीम ऑफ लाइट के फॉर्मेट में स्मॉल सी लाइट आपको क्या होती है या शो होती है ठीक है, so, की समझ समझ में आ आ गई, जिनका keyboard के के एकदम पे पे, आपको indicators भी शो होते हैं, clear? इतना clear हो गया, ये हमने अच्छे से समझ लिया, अब आ जाओ keyboard के middle part पे. तो यहां देखो कुछ navigation keys होती है. क्या कहलाती है कुछ नेविगेशन का मतलब क्या होता है माउस से आप क्या करते हो माउस से आपको सिलेक्शन करते हो डॉक्यूमेंट है तो आप डॉक्यूमेंट में एकदम टॉप पे जा सकते हो बॉटम पे आ सकते हो लेफ्ट राइट मूव कर सकते हो माउस से बिल्कुल वही काम ये नेविगेशन कीज भी करती हैं डॉक्यूमेंट को यदि आपको नेविगेट करना है ठीक है आपको पेज के एकदम टॉप पे जाना है पेज के एकदम बॉटम पे आना है आपको एरो की के थ्रू लेफ्ट राइट मूव करना है स्क्रीन पर कर्सर को तो बेसिकली ये काम आपका नेविगेशन की कहलाती है इसमें आपको चार एरो कीज मिलती है बाकी इंसर्ट होम पेज अप पेज डाउन ये सारी कीज यहाँ पे दिख जाती है राइट आफ्टर दैट इसके बाद आता है न्यूमेरिक पैड जो राइट साइड में आपको दिखता है न्यूमेरिक पैड में आपको सिर्फ और सिर्फ जैसे कैलकुलेटर में नंबर अरेंज होते हैं वैसे ही आपको शो होते हैं देखो यहाँ पर कैलकुलेटर में जैसे जीरो तक प्लस माइनस इंटू डिविजन है ना एंटर और ये सारी चीजें आपको दिख रही है तो ये न्यूमेरिक पैड होता है ये तभी वर्क करता है जब आप नमलॉ की को एक्टिवेट करते हो

कीबोर्ड तो आपने बहुत सी बार देखा होगा लेकिन आपको शायद ही नहीं पता होगा कि इतने टाइप की कीज होती है और इनका क्या फंक्शन होता है पता है तो बहुत ही अच्छी बात है नहीं भी पता है तो पता होना जरूरी है क्योंकि एग्जाम में इस पर टाइप्स ऑफ कीज पर क्वेश्चन हंड्रेड परसेंट बनता है ओके सो so, अब हम डिस्कस कर लेते हैं इन सारी कीज को डिटेल में अल्फा न्यूमेरिक कीज क्या होती हैं देयर आर 26 कीज फ्रॉम ए टू जेड ए से जेड 26 होते हैं तो 26 कीज ही आपको कीबोर्ड में दिखती हैं जैसे कि आपको यहाँ पे अल्फाबेट शो हो रहा है ठीक है आर नॉट प्रेजेंट इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर ये अल्फाबेट्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर में प्रेजेंट नहीं होते ए बी सी डी अप टू जेड तक है ना ये कैसे uh, अलग ही मैनर में प्रेजेंट होते हैं मतलब हम बोल सकते हैं कि ये इस मैनर में प्रेजेंट होते हैं जिसकी मदद से यूजर फास्ट वर्क कर सके यदि ए टू जेड में अरेंज होते हैं तो यूजर फास्ट वे में, में वर्क नहीं कर पाता ये क्वाल्टी पैटर्न पर बेस्ड होते हैं क्वाल्टी पैटर्न में अरेंज होते हैं द द नंबर ऑफ कीज आर प्लेस्ड ऑन टॉप मोस्ट रो ऑफ द अल्फा अल्फानेरिक कीपैड और अल्फा अल्फानेक कीपैड में सबसे ऊपर वाली रो में आपको क्या दिखते हैं नंबर्स दिखते हैं तो अल्फानेरिक कीपैड की यदि बात कर लें अल्फा न्यूमेरिक कीज की हम बात कर लें तो ये टोटल फोर रोज में अरेज होती हैं कितनी रोज में फोर रोज में फर्स्ट रो में आपको नंबर्स मिलते हैं ठीक है सेकेंड रो में आपको क्या मिलते हैं अल्फाबेट्स मिलते हैं ठीक है जिसमें आपको पहली रो जो कहलाती है आपकी ये क्वालिटी पैटर्न वाली जिसमें क्यू डब्ल्यू ई आर वाली रो होती है ठीक है ये सबसे पहली रो उसके बाद अल्फाबेट्स की सेकेंड रो आती है जिसमें आपको ए एस डी एफ तरीके से लेटर्स अरेंज दिखते हैं तीसरी रो आती है आपके जेड एक्स सी वी एन बी के फॉर्मेट में ठीक है एन के फॉर्मेट में तो ये हो गई आपकी क्या थर्ड रो इस तरीके से चार रो में आपके अल्फाबेट्स अरेंज होते हैं पहली रो में नंबर और बाकी की तीन रो में अल्फाबेट्स अरेंज होते हैं इस पैटर्न के अकॉर्डिंग क्लियर समझ में आ गया नाउ आगे बढ़ते हैं आप न्यूमारिक कीपैड न्यूमारिक की कहाँ होता है एकदम कीबोर्ड के राइट साइड में होता है जैसे कि आपको एक कैलकुलेटर के फॉर्मेट में जो दिखता है ठीक है कैलकुलेटर में कैसे रही है? वैसी है। और ये इंडिकेटर भी ऑन होते हुए दिखता है राइट सो so, दिवार कीपेड कंसिस्ट ऑफ नंबर कीज जीरो टू नाइन नंबर कीज होती है दी अरिथमेटिक ऑपरेटर्स इसके साथ ही और कौन सी कीज होती है अरिथमेटिक मतलब प्लस माइनस इंटू डिविजन ये सारी कीज होती है कुछ नमलॉक की भी होती है इंसर्ट डिलीट एंटर एंड डेसिमल पॉइंट ये कीज भी आपको यहाँ पर मिल जाती है तो नमलॉक में टोटल कितनी कीज हो गई जीरो टू नाइन प्लस माइनस इंटू डिवीज़न है ना साथ ही इंसर्ट डिलीट और डेसिमल पॉइंट एंटर ये सारी चीज आपको यहाँ पे मिलती है इट इज प्लेस्ड ऑन द राइट साइड ऑफ द की बोर्ड एंड इज यूज फॉर एंटरिंग नंबर एज अ फास्टर पेस जब सिर्फ आपको नंबर से एंटर करना है आपको ऐसी एक डॉक फाइल बनानी है जिसमें सिर्फ नंबर ही नंबर एंटर करना है है ना तब हम बेसिकली इसका यूज कर सकते हैं ताकि आप फास्टर वे में नंबर्स को एंटर कर सको दिस की पैड इज जस्ट लाइक अ सिंपल कैलकुलेटर न्यूमारिक कीपैड वर्क इन डिओल मोड ये डिओल मोड में वर्क करता है डिओल मोड मतलब नमलॉक ऑन किया तब नमलॉक नंबर आप एंटर कर पाओगे अदरवाइज इसका दूसरा वर्क होता है

The the numbers can turn and can and be used. Usually, some of the keyboards of laptops do not have a numeric keypad. <coughs> <coughs> मतलब हम लैपटॉप की बात करें तो लैपटॉप पे आपने ये न्यूमेरिक कीपैड नहीं देखा होगा ये आपके जो सेपरेट कीबोर्ड आता है, उसी में आपको देखने को मिलता है राइट right? नेक्स्ट कीज़ और स्पेशल कैरेक्टर कीज अब पंक्चुएशन कीज और स्पेशल कैरेक्टर कीज किसे कहते हैं अल्फा न्यूमेरिक कीज में आपने जो सबसे पहली रो में वन टू थ्री फोर देखे थे कुछ नंबर्स उन्हीं के साथ कुछ पंक्चुएशन स्पेशल कैरेक्टर्स दिखते हैं जैसे कि डॉलर हैश परसेंटेज पैरेंथिस है ना उन्हीं को बेसिकली हम यहाँ पे पंक्चुएशन की या स्पेशल कैरेक्टर कीज

इंक्लूडेड होते हैं दिस आल्सो इंक्लूड द मैथमेटिकल ऑपरेटर्स प्लस माइनस इंटू डिवीजन साइन इसमें प्लस माइनस इंटू डिवीजन भी इंक्लूडेड होता है तो जो ये आपको ब्लू ब्लू कलर के दिख रहे हैं है ना या ये वाली जो आपकी रो में ऊपर जो आपको शिफ्ट के साथ यूज करना है ये सारे आपके पंक्शन स्पेशल कैरेक्टर कीज हैं अब देखो ये 1, 2, 3, 4 के साथ जो आपको दिख है की रेट इन्हें यूज करने के लिए आपको शिफ्ट की का यूज करना पड़ता है शिफ्ट के साथ जब आप one को प्रेस करते हो शिफ्ट के साथ जब आप वन को प्रेस करते हो तो पंक्चुएशन प्रिंट होता है शिफ्ट के साथ जब टू को प्रेस करते हो तो क्या प्रिंट होता है एट द रेट प्रिंट होता है सो so ये स्पेशल कैरेक्टर आप शिफ्ट के साथ ही एक्सेस करते हो ठीक है इसीलिए शिफ्ट को कॉम्बिनेशन की का है कि शिफ्ट के साथ जब आप किसी की को प्रेस करते हो तो उसके अकॉर्डिंग आपको एक नया फंक्शन या नया की देखने को मिलता है राइट नाउ फंक्शन कीज सबसे टॉप पर जो रो होती है कीबोर्ड में वो फंक्शनल कीज की होती है जिसमें एफ1 टू एफ12 कीज प्रेजेंट होती हैं दिस कीज आर यूज़ टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए हम इन कीज का यूज करते हैं दिस कीज आर प्लेस्ड ऑन द टॉप रो ऑफ द कीबोर्ड एंड आर लेबलड एज एफ1 टू एफ12 F1 से F12 तक ये कीज लेबल्ड होती है और सबसे टॉप रो होती है कीबोर्ड की है दिस कीज हैव डिफरेंट फंक्शंस इन डिफरेंट प्रोग्राम्स डिफरेंट प्रोग्राम्स में इन फंक्शनल कीज का डिफरेंट रोल होता है जैसे तो डेस्कटॉप पे यदि आप F5 प्रेस करते हो तो क्या हो जाता है रिफ्रेश हो जाता है computer system. है आपका कंप्यूटर सिस्टम ना वहीं यदि आप डॉक फाइल में यूज करते हो F12 का F2 का तो आप फाइल को सेव कर सकते हो फाइल को ओपन कर सकते हो है ना तो अलग अलग एप्लीकेशन प्रोग्राम में इन फंक्शनल कीज का अलग अलग रोल होता है अलग अलग फंक्शन होता है राइट right? तो एफ F1 से एफ कीज भी समझ में आ गई अब आ जाओ स्पेशल कीज पर कुछ स्पेशल कीज भी होती हैं जैसे जिनका मैंने नाम आपको अभी शायद नहीं बताया अभी तक सबसे टॉप लेफ्ट पर एक की होती है जिसका नाम है एस्केप की फिर उसके बाद टैब की फिर उसके बाद आपकी विंडोज की स्पेस बार की एंटर की देन आपका प्रिंट स्क्रीन पॉज ब्रेक ठीक है मेन्यू कीज ये जो आपकी होती है ये स्पेशल कीज होती है जिनका स्पेशल काम होता है ठीक है जैसे हम बात कर लें स्पेस बार की तो स्पेस बार सबसे लॉन्गेस्ट की होती है कीबोर्ड की key.

फिर कंटिन्यूशन में आपका सेंटेंस स्टार्ट हुआ है अगेन यहाँ पे बुलेट के बाद देखो ये फाइव स्पेसेस है तो ऐसे जब फोर फाइव स्पेसेस एक साथ देनी होती है तो हम टैब का यूज कर लेते हैं और स्पेस बार से आप वन ब्लैंक स्पेस दे सकते हो राइट right? तो ये क्या हुआ ये स्पेशल वर्क हुआ ठीक है ऐसी जब हम एस्केप की बात करें तो एस्केप का मतलब होता है जब भी किसी करंटली आप वर्किंग सॉफ्टवेयर में काम कर रहे हो आपके सिस्टम पे कोई करंटली स्क्रीन स्क्रीन ओपन है विंडो ओपन है ठीक है सपोज आप डॉक फाइल में काम कर रहे हो तो जब आप एस्केप को प्रेस कर देते हो कोई डायलॉग बॉक्स ओपन है तो वो क्लोज हो जाता है ये एस्केप की का काम होता है ऐसी प्रिंट स्क्रीन की इसलिए यूज किया जाता है स्क्रीन लेने के लिए यूज किया जाता है, है ना यहां पर विंडोज मेन्यू होता है एक विंडोज की होती है विंडोज की की मदद से आप स्टार्ट मेन्यू को ओपन कर सकते हो मेन्यूज के थ्रू आप

माउस के थ्रू भी आप नेविगेशन करते हो माउस का पॉइंटर मूव करता रहता है जब आप माउस मूव करते हो तो पॉइंटर इधर उधर मूव करता है स्क्रीन को आप इन डाउन स्क्रोल कर सकते हो है ना सिलेक्शन कर सकते हो वही सारे काम आप की में नेविगेशन की के थ्रू भी कर सकते हो नेविगेशन की, जो कीज हैं उनमें कुछ एरो कीज आ जाती हैं कुछ पेज अप पेज डाउन कीज आ जाती हैं होम एंड की आ जाती हैं तो एरो कीज की मदद से हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर स्क्रीन को अप डाउन मूव करवा सकते हैं तो यहाँ पर डायग्राम में आपको दिख रही होंगी नेविगेशन कीज कुछ एरो कीज हैं और ये जो सारी ये जो आपको पेज अप पेज डाउन होम एंड जो दिख रही है ये आपकी पूरी नेविगेशन की में इंक्लूड होती हैं ठीक है सो द नेविगेशन कीज आर यूज्ड टू नेविगेट थ्रू अ डॉक्यूमेंट दिस इनक्लूड द एरो कीज होम पेज अप पेज डाउन एंड एंड कीज ठीक है सो किसी भी पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट में यदि आपने बहुत सारी लाइंस लिखी हुई हैं सो इस पेज में यदि ऊपर जाना है तो आप पेज अप का यूज कर लो इस पेज में यदि नीचे आना है तो आप पेज डाउन का यूज कर सकते हो ठीक है इसी तरीके से आपको किसी लेफ्ट राइट कर्सर को मूव करवाना है तो आप एरो कीज का भी यूज कर सकते हो इवन आप यदि सिलेक्ट करवाना चाहते हो क्या करवाना चाहते हो सिलेक्शन भी करवाना चाहते हो इस लाइन को तो भी आप पर्टिकुलरली एरो कीज का यूज कर सकते हो शिफ्ट के साथ ठीक है सो डिफरेंट फंक्शन ये एरो कीज भी परफॉर्म करती है रिगार्डिंग द नेविगेशन लाइक नाउ कॉम्बिनेशन कीज कॉम्बिनेशन कीज जैसे मैंने बताया अभी शिफ्ट ऑल्टर कंट्रोल ये क्या हो गए आपकी कॉम्बिनेशन कीज हो गए जो कंबाइन करके ही किसी और पर्टिकुलर लेटर्स uh, के साथ किसी और पर्टिकुलर कीज के साथ ही यूज की जाती हैं सो दिस कीज आर यूज्ड इन कॉम्बिनेशन विद अदर कीज टू परफॉर्म एन एक्शन किसी भी एक्शन को परफॉर्म करवाने के लिए आप इन कॉम्बिनेशन की को किसी और पर्टिकुलर की के साथ ही यूज करते हो क्लियर ये चीज समझ में आई ओके तो यहां पे कौन-कौन से कीज हो गए ये कंट्रोल ऑल्ट एंड शिफ्ट ये जो बेसिकली तीन कीज हैं आपकी कॉम्बिनेशन कीज कहलाती हैं जो कि यहां पे आपको हाईलाइटेड भी दिख रही है अब ये कीज आपको डबल मिलती है स्पेस बार के इधर की के लेफ्ट साइड पर भी मिल जाती है और स्पेस बार के राइट साइड पर भी की के राइट साइड पर भी आपको कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट कीज मिल जाती है ठीक है क्योंकि हम की बोर्ड दोनों हैंड से वर्क करते हैं लेफ्ट और राइट तो जब आपको लेफ्ट हैंड से यूज करना है तो आप इधर साइड से कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट का यूज कर सकते हो राइट हैंड का यूज कर रहे हो तो आप इधर साइड से भी इन तीनों कीज का यूज कर सकते हो राइट सो इसीलिए ये कीज इस तरीके से अरेंज्ड होती है

कैसे पता चलता है कि ऑन और ऑफ हो रहे हैं इनके इंडिकेटर्स के थ्रू तो टॉगल कीज के तीन टॉगल इंडिकेटर्स भी होते हैं ठीक है कैप्स लॉक 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 नम और कीज कीज आर दी टॉगल टॉगल की हैज इट्स ओन हैलईडी इंडिकेटर ऑन द कीबोर्ड कहा मिलते हैं ये इंडिकेटर आपको की बोर्ड के राइट साइड पे की बोर्ड है इसके राइट साइड पे आपको इस तरीके से इनके इंडिकेटर्स मिलते हैं मतलब यहाँ पे एक ऑप्टिकल जैसी छोटी सी लेजर लाइट लगी होती है जो कि ग्लो करती है जैसी आप क्या करते हो जैसी आप कोई सी भी की को ऑन कर देते हो कैप्स लॉक को ऑन किया तो आप कैपिटल लेटर्स में लिख सकते हो लेटर्स को नम लॉक को ऑन करते हो तो नम लॉक जो कीपेड है आपका नंबर जो कीपैड है उनके नंबर्स प्रिंट करवा सकते हो स्क्रोल लॉक को ऑन कर देते हो तो एरो कीज के थ्रू आप स्क्रीन को अप डाउन लेफ्ट राइट मूव करवा सकते हो जैसे आप माउस से मूव करते हो है ना नाउ ऑफ सम इंपॉर्टेंट कीज देखो अब कुछ इंपॉर्टेंट कीज को हम डिस्कस करेंगे जो की में होती है और इनके स्पेशल फंक्शन होते हैं द फॉलोइंग टेबल डिपेक्ट दंक्शन ऑफ सम इंपॉर्टेंट कीज ऑन द की आर

स्टार्ट मेन्यू आप सभी ने देखा है ना होता है स्टार्ट प्रोग्राम एसेसरीज और फिर आप एमएस ऑफिस या वगैरह जो भी सब स्टार्ट कर सकते हो तो स्टार्ट बटन के थ्रू आप किसी भी प्रोग्राम को एप्लीकेशन को स्टार्ट कर सकते हो स्टार्ट मेन्यू पे आप क्लिक करते हो माउस से तो भी स्टार्ट हो जाता है यदि की से शुरू करना है तो उसके लिए हम यूज करते हैं यहाँ पे विंडोज की कैसे दिखता है आपको की के एकदम बॉटम में आपको स्पेस बार के पास में सेकेंड या थर्ड नंबर पर आपको ये की मिल जाती है इस तरीके से ये की बनी होती है ठीक है एक विंडोज का साइन आपको विंडोज का लोगो यहाँ पे दिख जाता है सो इट इट लुक्स लाइक फोर पेन विंडो स्टार्ट स्टार्ट मेन्यू मेन्यू राइट दिखता है ना इस तरीके से स्टार्ट मेन्यू आपके सिस्टम में जो होता है लेफ्ट साइड में स्क्रीन पर वो ओपन हो जाता है राइट आफ्टर दैट नेक्स्ट इज मेन्यू की मेन्यू की का क्या काम होता है इट लुक्स लाइक अ कर्सर पॉइंटिंग टू अ मेन्यू ठीक है कर्सर आपने देखा है जब भी आप किसी पर्टिकुलर पे क्लिक करते हो तो एक कंटेक्सट मेन्यू ओपन हो जाता है राइट right क्लिक करते हो जब आप है ना किसी भी आइकन पे या किसी भी फोल्डर पे सपोज इस फोल्डर पे आपने राइट right क्लिक करा तो यहाँ फोल्डर को कट करना है कॉपी करना है रीनेम करना है पेस्ट करना है फोल्डर की प्रॉपर्टीज को सेट करना है ये राइट right क्लिक करने पर जो मेन्यू ओपन होता है ना वही पर्टिकुलर मेन्यू आपको मेन्यू की के थ्रू ओपन हो जाएगा और जैसी विंडो की होती है उसी के जस्ट पास में आपको मेन्यू की भी मिलती है सो so इसका क्या काम होता है इट लुक्स लाइक अ कर्सर पॉइंटिंग टू अ मेन्यू इट परफॉर्म दी फंक्शन राइट क्लिक टू ओपन इट इज फाउंड इन ये ओरियंटेड की में आपको नहीं दिखेगी जो विंडोज ओरिएंटेड की हैं। आजकल आपको ये मिलती है दोनों कीज है ना? पहले नहीं मिलती थी आजकल जो आते हैं, उसमें आपको ये मिलती है नाउ एस्केप की एस्केप की का काम होता है इट इज़ यूज टू इंटरप्ट और कैंसिल दी करंट प्रोसेस जो करंट प्रोसेस चल रही है उसको इंटरप्ट करना उसको कैंसिल करना उसके लिए हम एस्केप का यूज़ कर सकते हैं जैसे कोई डायलॉग बॉक्स ओपन है उसको आपको क्लोज करना है तो आप एस्केप की से क्लोज कर सकते हो कोई नोटपेड की फाइल वगैरह ओपन है है ना उसमें आप कुछ काम कर रहे हो या आपकी कोई दूसरी फाइल या कुछ दूसरा डायलॉग बॉक्स ओपन है उससे कैंसिल करना है तो हम एस्केप का यूज़ कर लेते हैं

अब जो दो कीज बता रही अच्छे से समझ लेना बैक स्पेस और डिलीट ये दो ऐसे कीज हैं जिनमें डिफरेंस आता है जिनमें आपको भी लिखा है यदि, यदि यहाँ प्रेजेंट है और आप प्रेस करते हो बैक स्पेस की क्या प्रेस करते हो आप बैक स्पेस की प्रेस करते हो तो बैक स्पेस में जो टेक्स्ट डिलीट होता है वो कर्सर के लेफ्ट साइड से कहा से लेफ्ट साइड से टेक्स्ट डिलीट होगा ठीक है और यदि आप प्रेस करते हो डिलीट की तो डिलीट की में क्या होता है कर्सर के राइट साइड से टेक्स्ट डिलीट होगा अब यहां पे मैंने लिखा है टेक्स्ट के बाद सपोज एम बी तो जब आप यहां के अकॉर्डिंग डिलीट बटन को प्रेस करते हो तो ये डिलीट होगा एम बी और यदि को प्रेस करते हो तो टेक्स्ट डिलीट डिलीट होगा होगा समझ में आया ये होगा जब आप बैक स्पेस को प्रेस करोगे एम बी डिलीट होगा जब आप डिलीट को प्रेस करोगे तो कर्सर से लेफ्ट साइड में यदि डिलीट करना है कैरेक्टर तो बैक स्पेस का यूज करते हैं कर्सर से राइट साइड में यदि कैरेक्टर्स को डिलीट करना है तो डिलीट की का यूज किया जाता है ठीक है सो इट इज यूज फॉर रिमूविंग टेक्स फ्रॉम ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द करसर डिलीट यूज फॉर डिलीटिंग द टेस्ट ऑन द राइट साइड ऑफ द कर डिलीट एन ऑब्जेक्ट राइट समझ में आ गया इंपॉर्टेंट है ध्यान से समझना

पेज अप पेज अप से आपका जो पेज अप होता है मतलब कि आपने पेज में पूरा भर के पेज में डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है अब आपको एकदम टॉप पर जाना है पेज के तो आप पेज अप की का यूज कर सकते हो इट टू मूव वन पेज अप इज करंटली पेज डाउन एकदम लास्ट में आना है पेज के तो पेज डाउन का यूज कर सकते हो ये नेविगेशन कीज इट हेल्प्स टू मूव वन पेज अप और डाउन फ्रॉम द पेज बीइंग करंटली व्यूड सो होप यू अंडरस्टैंड दिस थिंग्स राइट नाउ एंड

शिफ्ट कंट्रोल और ऑल्ट ये तीनों कॉम्बिनेशन कीज होती हैं है ना इट इज यूज एज अ की बोर्ड शॉर्टकट की इन कॉम्बिनेशन विथ अदर कीज कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट ये क्या हो गई आपकी keyboard की बोर्ड की शॉर्टकट कीज होती हैं किसी भी शॉर्टकट कीज को यदि आपको एक्सेस करना होता है तो वो इन तीनों के ही कॉम्बिनेशन से बनती है शिफ्ट प्लस एरो की को करते हो तो आप सिलेक्ट कर सकते हो टेक्स्ट को कंट्रोल प्लस एक्स करते हो तो कट कर सकते हो है ना ऑल्ट प्लस एफ करते हो तो फाइल मेन्यू ओपन हो जाता है राइट ऐसे बहुत सारे कॉम्बिनेशन बनते हैं जिन्हें हम शॉर्टकट की के नाम से जानते हैं वो इन्हीं कीज के साथ में बनते हैं राइट Lock, lock टल की जो हमने देखी थी नमलॉक का, का काम होता है इट इनेबल और डिसेबल दे न्यूमैरिक की पैड न्यूमैरिक कीपैड को आपको इनेबल डिसबल करना है तो नम लॉक का यूज करते हो इट इनेबल स्क्रोल दस विंडो इंस्टेड ऑफ मूविंग दर्सर यदि आप स्क्रीन पर कर्सर को मूव करवाना चाहते हो विदाउट दी हेल्प ऑफ माउस तो आप यहाँ पे स्क्रोल लॉक का यूज करते हो स्क्रोल लॉक को ओपन कर देते हो या स्टार्ट कर देते हो तो स्क्रोल लॉक का इंडिकेटर एक्टिव हो जाता है और यहाँ पर फिर जो एरो कीज है उनकी मदद से आप स्क्रीन को मूव करवा सकते हो कैप्स लॉक Caps की मदद से आप कैपिटल में लिख सकते हो हो अल्फाबेट्स को। मतलब ये आपकी गई और ये इनका work हो गया। तो so, की keys हमने खत्म कर ली है और इनके हमने वर्क भी देख लिया ये टी ये सारी जो कीज है ये क्या वर्क परफॉर्म करती है नाउ नेक्स्ट कीज अब कीज किसे कहते हैं अभी तक तो हमने डिफरेंट टाइप कीज को अच्छे से समझ लिया उनके फंक्शंस भी देख लिया अब होम रो कीज़ क्या होती हैं सो so जैसे मैंने बताया कि अल्फ़ा न्यूमारिक जो कीज़ होती हैं वो आपको चार रो में मिलती हैं जिसमें अल्फाबेट्स कीज की तीन रो होती हैं एक होती है होमरो की एक उसके ऊपर अपर लेयर होती है और एक उसके नीचे होती है लोअर लेयर ठीक है तो यहां पर तीन लेयर्स होती हैं अल्फाबेट कीज की जिसमें जो बीच वाली जो लेयर होती है बीच वाली जो रो होती है वो होम रो की कहलाती है जैसे कि आपको यहाँ डायग्राम में दिख रहा है ये जो ग्रीन कलर की आपको जो रो दिख रही है ये आपकी होम रो कीज कहलाती हैं ए एस डी एफ जी एच आई जे के एल ठीक है ये वाली जो रो है कैप्स लॉक के साथ में जो आगे बढ़ रही है ये आपकी कौन सी रो है होम रो की है इसके ऊपर वाली क्वालिटी पैटर्न वाली जो अल्फाबेट्स वाली जो रोज होती है वो अपर रो होती है और देन इसके बाद जेड एक्स सीवी वाली जो होती है वो लोअर रो होती है ठीक है इतना समझ में आ गया हमें कि होम रो की किसे कहते हैं अब क्यों कहते हैं द होम रो की इज ऑल्सो कॉल्ड एज होम कीज आर दी रो ऑफ कीज ऑन द कंप्यूटर बोर्ड योर फिंगर रेस्ट ऑन वेन नॉट टाइपिंग जब आप टाइप नहीं करते हो जैसे ही आप की बोर्ड को यूज करने जाते हो तो आपके जो फिंगर्स है वो जिस पर्टिकुलर कीज पर होनी चाहिए वो होम कीज होती हैं ठीक है ए एस डी एफ जे के एल राइट फॉर एग्जाम्पल ऑन द स्टैंडर्ड क्वालिटी की बोर्ड द होम रो कीज फॉर योर लेफ्ट हैंड आर ए एस डी एफ एंड योर राइट हैंड आर जे के एल एंड सेमी कॉलन राइट फॉर बोथ हैंड्स द थम्स रेस्ट ऑन द स्पेस बार तो जो थम्स हैं वो कहाँ पर होते हैं आपके प्लेस्ड स्पेस बार पर देखो ये थम्स कहाँ प्लेस्ड है स्पेस बार पर

तो ये यदि आपको याद होती है तो बाकी के लेटर्स आप इजिली मेमोराइज कर सकते हो राइट right? और उस होम रो के थ्रू आप होमरोल्ड की गाइड कीज एफ और जे को हम कहते हैं गाइड कीज फॉर लेफ्ट एंड राइट हैंड रिस्पेक्टिवली मतलब ए एस डी एफ तो आपने प्रेस कर लिया देखो भाई क्या बताया मैंने ए एस डी एफ जी और एच यहाँ पर ब्लैंक रहता है देन जे के एल और सेमी कॉलन यही हमने बताया तो यहाँ पर आपकी जो लेफ्ट हैंड की चार कीज होती हैं चार जो फिंगर्स uh, होती हैं वो इन कीज पर होती हैं ठीक है लेफ्ट हैंड की जो चार फिंगर्स है वो आपकी यहाँ प्लेस्ड होती है ठीक है ये इंडेक्स फिंगर आपकी यहाँ पर होती है सिमिलरली यदि हम राइट right हैंड की बात कर लें तो राइट right हैंड की जो चार फिंगर्स होती हैं आपकी राइट right हैंड की वो प्लेस्ड होती है जे के एल और सेमी कॉलन पर राइट इंडेक्स फिंगर आपकी यहां होती है तो जी और एच वाली जो कीज हैं आपकी क्या है जी और एच वाली जो कीज है ठीक है बेसिकली ये कीज आपकी जो गाइड कीज हैं उनके साथ में फॉलो की जाती है मतलब यहाँ पे लेफ्ट हैंड की जो इंडेक्स फिंगर है और राइट right हैंड की जो इंडेक्स फिंगर है वो जिन की पर प्लेस्ड होती है वो आपकी कहलाती है गाइड कीज ठीक है सो ऑन कंप्यूटर कीबोर्ड एफ एंड जे

आपने स्पेस दिया नहीं दिया सब इंडिकेट करता है सो इट इज दैट फ्लिकर्स इन द डॉक्यूमेंट वाइल्ड टाइपिंग फ्लिकर करता है राइट right? ब्लिंक होता है जब आप टाइप करते हो तो आपको समझ में आता है कि आपको यहां से शुरुआत करनी है यहां से टाइप करना है ठीक है टू मूव can ऑफ द respective यू कैन यूज द the mouse और क्लिक द माउस to द positioned यदि आपको कहीं और किसी और लाइन में टाइप करना है कुछ आपसे मिस्टेक हो गई आपको ऊपर जाकर कुछ टाइप करना है डॉक्यूमेंट में या नीचे टाइप करना है लेफ्ट में या राइट में तो कर्सर को आप एरो की की मदद से या माउस पॉइंटर की मदद से माउस क्लिक की मदद से सेट कर सकते हो जहां पर भी आपको पोजिशन करना है जिस भी जगह से आपको टाइपिंग शुरू करनी है तो कर्सर हमें गाइड करता है जब आप टाइपिंग करते हो सो होम रो समझ में आ गया गाइड की समझ में आ गया गाइड कौन कर रहा है टाइपिंग के टाइम पे कर्सर गाइड कर रहा है ठीक है अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है

ईच फिंगर फॉर अ ग्रुप ऑफ कीज हर फिंगर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कुछ ग्रुप ऑफ कीज को प्रेस करने के लिए राइट right? आपकी जो लिटिल फिंगर है वो भी किसी जो कीज है उनके लिए रिस्पॉन्सिबल होगी राइट ये हमने स्टार्टिंग में ही देखा था कलर कोड के थ्रू राइट right? कि रेड कलर का जो कीज आपकी बनी हुई थी वो डिपेंड कर रही थी आपकी लिटिल फिंगर पे जो यहाँ अगेन आपको फिगर दिख रहा है राइट कलर कोड के थ्रू आप देख सकते हो कि red, जो लिटिल फिंगर है वो जो रेड कलर से आपको यहाँ इन्हें प्रेस करेगी इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी की को प्रेस करने की होगी है ना जो आपकी ये वाली फिंगर है जिसे हम रिंग फिंगर कहते हैं वो इन सारी कीज के लिए रेस्पॉन्सिबल होगी राइट सो बेसिकली यही सही पोजिशनिंग होती है और इन हर एक फिंगर पे आपको पता होना चाहिए कि इस फिंगर से आपको इन की को प्रेस करना है सो लेट अस लर्न अबाउट द एलोकेशन ऑफ कीज Fingers. ये अब अब हम हम में समझेंगे जो allocation आपको आपको पे दिख रहा है है ना इसे अब हम समझने वाले हैं एक label diagram के जिसमें मैंने hands बनाया हुआ आपको बताया हुआ बताया कि कौन सी fingers और किस तरीके से keys को आपको प्लेस करना है तो ये diagram आप ध्यान से देखो आप सभी को अच्छे से पता है कि आपके दो हाथ होते हैं दस फिंगर्स होती है जिसमें लेफ्ट हैंड की और राइट right हैंड की उसे हम क्या कहते हैं ये हो गई आपकी राइट right हैंड की लिटिल फिंगर ये राइट लेफ्ट हैंड की सॉरी है ना ये रिंग फिंगर हो गई ये मिडिल फिंगर हो गई इंडेक्स फिंगर हो गई देन दिस इज थम अगेन ये आपकी राइट right हैंड की इंडेक्स फिंगर मिडिल फिंगर राइट फिंगर और रिंग uh, फिंगर और लिटिल फिंगर क्लियर इतना समझ में आ गया लेफ्ट और राइट हैंड और ये चारों फिंगर्स हैं अब ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इनका यूज हम अभी कीबोर्ड की कीज पर देखने वाले हैं तो वहां हम इन शॉर्ट फॉर्म्स को यूज करेंगे एम एफ आर एफ एल एफ ठीक है तो ये आपको ध्यान होना चाहिए देखो अब अलोकेशन ऑफ कीज टू फिंगर्स ऑन होम रोज तीन रो मैंने बताई होम रो बताई दूसरी चीज मैंने बताया होम रो के ऊपर वाली अपर रो और लोअर लो ओके तो यहां पे देखो होम रो में ए एस डी एफ जी एच जे के एल और कॉलोनियामिकॉल होता है ये समझ में आ गया यही कीज होती हैं अब आपकी फिंगर्स कैसे और कहा प्लेस होनी चाहिए ठीक है लिटिल फिंगर ए पर होना चाहिए रिंग फिंगर फिंगर एस पर पर होना होना चाहिए चाहिए मिडिल डी और इंडेक्स फिंगर आपकी एफ पर होना चाहिए राइट उसी के साथ अगेन आ जाओ इंडेक्स फिंगर राइट हैंड की जे पर होना चाहिए मिडिल फिंगर के पर होना चाहिए रिंग फिंगर एल पर होना चाहिए और लिटिल फिंगर कॉलन कॉलोनिया सेमिकॉलन पर होना चाहिए So, बची जो जी और एच वाली की ये आप अपनी इंडेक्स फिंगर से ही प्रेस करोगे राइट जो इंडेक्स फिंगर है आपकी इन्हीं इंडेक्स फिंगर से आपको ये दोनों कीज को भी प्रेस करना होगा समझ में आया अब आ जाओ नेक्स्ट रो होम रो के ऊपर वाली रो तो जो ये फिंगर्स आपकी है वही सेट होती है आपके क्वालिटी वाले आ, रो पर भी तो लिटिल फिंगर आपकी क्यू प्रेस करेगी र, रिंग फिंगर डब्ल्यू को प्रेस करेगा मिडिल फिंगर से आप ई e प्रेस करोगे इंडेक्स फिंगर से आप आर प्रेस करोगे लेफ्ट हैंड के राइट हैंड पे आ जाओ तो इंडेक्स फिंगर से आपको क्या प्रेस करना है यू प्रेस करना है ठीक है और इसके बाद मिडिल फिंगर से आई Ring finger से ओ और लिटिल फिंगर से पी अगेन इंडेक्स फिंगर से आप टी और वाई को भी प्रेस करोगे जैसे यहां पे आप जीएच को प्रेस कर रहे हो वैसे ही आ जाओ. अब आप home के lower rows पर. अपर रोज देख लिया तो लोअर रोज जो है बॉटम रोज जो है उसमें आपको मिलेगा जेड एक्स सी वी बी एन एम और इसके पहले शिफ्ट कॉला कॉमा और कॉलन वो डॉट है तो लिटिल फिंगर से आपको शिफ्ट को प्रेस करना है रिंग फिंगर से जेड को मिडिल फिंगर से एक्स को इसी तरीके से ठीक है अगेन इंडेक्स फिंगर से आपको चार की को हैंडल करना है सी वी बी एन ओके क्लियर हुआ तो इंडेक्स फिंगर जो है आपकी वही गाइड कीज कहलाती है इंडेक्स फिंगर जो है वही आपकी गाइड कीज के अकॉर्डिंग सारी चार चार कीज को संभालती है यहाँ पे देखो सी वी बी और एन ठीक है ये आपके इंडेक्स फिंगर से आप संभालोगे इनकी अगेन आगे देखो प्रेस करना है आपको यहां पर इंडेक्स फिंगर से आर टी वाई यू और यहीं पर आपको एफ जी एच ठीक है जी ये भी आपके इंडेक्स फिंगर से ही प्रेस होंगी क्लियर इसके बाद आ जाओ नंबर कीस पर तो यहाँ पे अल्फा न्यूमारिक कीज की बात कर रहे हैं हम नंबर कीज भी होती है ऊपर वन टू थ्री फोर फाइव सिमिलरली इसी सेम ऑर्डर में आप एल एफ आर एफ एम एफ आई एफ के थ्रू क्या कर सकते हो अपने आ, फिंगर्स के अकॉर्डिंग कीज को प्रेस कर सकते हो नंबर कीज को भी जो अल्फा न्यूमारिक कीज में ऊपर होती है राइट सो so, ये कुछ अलोकेशन है किसका फिंगर्स का

जहां पे आपको डॉक्यूमेंट में टाइपिंग शुरू करना है तो वहां पे आपको पहले कर्सर को प्लेस करना है कर्सर प्लेस हुआ तभी आप आगे टाइपिंग कर पाओगे कहीं और होगा तो आप टाइप नहीं कर पाओगे है ना? तो पहले प्लेस दी कर्सर नाउ जैसी कर्सर प्लेस हो गया अब आपको अपने हैंड की पोजीशन लेना है ए एस डी एफ जेके एल एम उसके अकॉर्डिंग राइट right. और अब आपको टाइपिंग शुरू कर देना है नाउ प्रेस द लेटर्स ऑन द कीबोर्ड अकॉर्डिंग टू बी टाइप। अब जो भी आप यहां पर टाइप करते हो लेटर्स वो टाइप होना शुरू हो जाएंगे एक वर्ड लिखने के बाद आपको थम्ब से क्या देना है स्पेस बार दे की के थ्रू स्पेस देना है ताकि आप वर्ड्स को सेपरेट कर सको ये स्पेस बार से आप दे सकते हो राइट और इसी के अकॉर्डिंग कर्सर आगे मूव करता जाएगा सो दिस थ्री पॉइंट्स आर इंक्लूडेड इन फॉर टाइपिंग टेक्स्ट इन डॉक्यूमेंट राइट आगे बढ़ो फॉर डिलीटिंग टेक्स्ट इन डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट में यदि टेक्स्ट को डिलीट करना है इफ यू मेक अ मिस्टेक जनरली होती है जब आप, तो आप फॉलो तो कर, हो, कर रहे हो भाई बिल्कुल प्रॉपर उसी पोजिशन में आपकी फिंगर से आप। लेकिन जब डिलीट करना है तो तब क्या करोगे तो डिलीट करना है तो यहाँ पे आपको क्या करना है बहुत ईजी वे में लेटर को यदि डिलीट करना है तो कर्सर को उस जगह पर ले जाना है जहां से आपको डिलीट करना है लेटर को फिर आपको बैक स्पेस की को एक बार प्रेस करना है या फिर आप बैक स्पेस की जगह पर डिलीट को भी यूज कर सकते हो तो बैक स्पेस और डिलीट में बस आपको यह ध्यान रखना है कि यदि आप कर्सर के लेफ्ट साइड से कैरेक्टर रिमूव करना चाहते हो तो बैक स्पेस को प्रेस करो और वो भी लिटिल फिंगर से यदि आप डिलीट की का यूज करते हो तो कर्सर के राइट right साइड से कैरेक्टर डिलीट होगा सो प्रेस द बैक स्पेस की वंस ऑल्टर प्रेस द कर्सर जस्ट बिफोर द लेटर एंड प्रेस द डिलीट की फॉर डिलीटिंग अ वर्ड और अ सेंटेंस सिलेक्ट द टेक्स्ट एंड प्रेस द डिलीट और बैक स्पेस की यदि एक से ज्यादा वर्ड को या पूरी सेंटेंस को डिलीट करना है तो पहले आप लाइन को सिलेक्ट कर लो फिर आप बैक स्पेस की या डिलीट की का भी यूज कर सकते हो राइट अब बैक स्पेस की और डिलीट की आई होप यू अंडरस्टैंड दिस राइट ये आपको देखो यहां पे बैक स्पेस की मिल जाता है जो इस तरीके से होता है या बैक स्पेस लिखा भी होता है और डिलीट की जस्ट उसके पास में आपको दिखती है नेविगेशन कीज में आपको ये स्पेशल की मिल जाती है क्लियर तो डिलीटिंग भी समझ में आ गया अब ये बहुत ईजी है ये जनरली हम करते हैं लेकिन लिखेंगे क्या आंसर में आएगा जब तो यही पॉइंट्स लिखकर आओगे ओके नाउ टाइपिंग कैपिटल लेटर आप कैपिटल लेटर्स भी टाइप कर सकते हो आप है ना जल्दी बता दो, दो तरीके होते हैं कैपिटल लेटर को टाइप करने के पहला तरीका तो हम टॉगल की कैप्सलॉक की का यूज कर लें दूसरा तरीका यदि टॉगल की का यूज नहीं करना है यूज नहीं करना है तो अदर देन आप यहां पे कॉम्बिनेशन की शिफ्ट का यूज कर सकते हो दोनों तरीके से आप कैपिटल लेटर्स लेटर्स को टाइप टाइप कर सकते हो सो टू इन कैपिटल और अपर केस स्विच ऑन दैप्सलॉग की बिफोर टाइपिंग दी टेक्स्ट यदि आपको पूरा सेंटेंस पूरा वर्ड कैपिटल में लिखना है तो सबसे बेस्ट हुए की कैप्सलॉग ऑन कर लो और फटाफट लिख दो यदि आपको क्या करना है यहां पर सिर्फ स्टार्टिंग के लेटर्स को कैपिटल लिखना है जब वो भी जब सेंटेंस स्टार्ट हुआ

की को भी ऑन या ऑफ सेट कर सकते हो राइट समझ में आ गया कैप्स लॉक की का भी क्या काम है नाउ नेक्स्ट टाइपिंग नंबर्स अब टाइपिंग नंबर्स के लिए हम किसका यूज करते हैं नंबर कीज का यूज करते हैं ठीक है ठीके? नंबर कीज आपको दो जगह पर मिल जाती है कीबोर्ड पे एक तो राइट साइड में आपको नमलॉक की पैड मिलता है है है, ना, so, यहाँ पर आपको numbers मिल जाती है? या फिर alpha जो होते हैं उसके ऊपर जो सबसे होती है, है, ठीक पर भी आपको numbers मिल जाते हैं, तो दोनों जगह से आप नंबर्स को प्रेस कर सकते हो सो नंबर्स आर टाइप्ड यूजिंग द नंबर कीज प्रेजेंट द अल्फाबेट कीज ऑन द की बोर्ड अल्फाबेट कीज के ऊपर भी नंबर कीज होती है वहां से आप नंबर प्रेस कर सकते हो या फिर वन कैन ऑल्सो यूज द न्यूमेरिक की टू द नंबर आपने हमारे कीपैड का भी यूज कर सकते हो ठीक है सो यू यू अंडरस्टैंड दिस थिंग इसको हमने अभी पहले भी समझा है जब की को देखा था क्लियर देन स्विच ऑन दमलॉक की यदि नमलॉक की पैड का यूज करना है तो हमें स्विच ऑन करना पड़ता है नमलॉक इंडिकेटर का ठीक है जो नमलॉक टॉगल की है उसको जब आप प्रेस करते हो तो नमलॉक इंडिकेटर आपको शो होता है मतलब कि आप की पैड एक्टिव है ऑन है आप कोई सा भी नंबर टाइप कर सकते हो वैन द नमलॉक इज स्विच ऑफ जैसे ही आपने नमलॉक की को वापस प्रेस किया तो वो स्विच ऑफ हो जाता है डीएक्टिवेट हो जाती है और जो ऑल्टरनेट एक्शन है उनकी इस पर प्रेजेंट वो वर्क करते हैं राइट So, समझ में आ गया ये आपका बिल्कुल कैलकुलेटर जैसा जो व्यू है वो आपको राइट right साइड में कीबोर्ड में मिलता है इसे हम नंबर कीज़ कहते हैं। नाउ टाइपिंग सिंबल और पंक्चुएशन मार्क्स और स्पेशल कैरेक्टर जब आपको कोई सिंबल पंक्चुएशन मार्क्स या स्पेशल कैरेक्टर टाइप करना है तो उसे हम किसके साथ प्रेस करते हैं और कैसे यूज कर सकते हैं तो शिफ्ट की के साथ ही आप पंक्चुएशन मार्क्स स्पेशल टाइप के कैरेक्टर्स को यूज कर सकते हो शिफ्ट के साथ में वन को प्रेस करते हो ये जो वन सबसे आपको ऊपर दिख रहा है ठीक है तो आप इसको एक्सक्लेमेटरी मार्क को आ, प्रेस कर सकते ये हो ये प्रिंट हो जाए ठीक है ठीके? यदि शिफ्ट के साथ आप टू को प्रेस करते हो तो टू जब प्रेस करते हो तो एट द रेट थ्री प्रेस करते हो तो आप डॉलर आता है फोर प्रेस करते हो शिफ्ट के साथ जब आपको Uh, इस तरीके से सिंबल्स शो होते हैं हैश डॉलर एट द रेट एक्सक्लेमेटरी मार्क ठीक है पंक्चुएशन मार्क्स ये सब आपको शिफ्ट की के साथ में जब आप प्रेस करोगे ना तब शो होंगे तो कॉम्बिनेशन की का यूज करोगे आप जब आप पंक्चुएशन और स्पेशल कैरेक्टर्स को प्रिंट करवा पाओगे सो प्रेस एंड होल्ड द शिफ्ट की एंड प्रेस द की विद द रिक्वायर्ड सिंबल फॉर एक्साम्पल प्रेस द शिफ्ट प्लस नंबर एट टू तो टाइप एन एस्ट्रिक जब शिफ्ट प्लस एट टाइप करोगे प्रेस करोगे ठीक है तो आपको क्या शो होगा एस्ट्रिक वाला साइन स्टार वाला साइन शो होगा राइट ये कीबोर्ड में आपको कहाँ मिलेगा यहाँ पर आ रहा है समझ में सो पंक्चुएशन मार्क्स क्या क्या हो गए आपके कौन से स्पेशल कैरेक्टर्स हो गए वो देख लिया नेक्स्ट टाइपिंग सेंटेंस और पैराग्राफ अब यदि आपको कोई सेंटेंस या पैराग्राफ टाइप करना है सो so, हम उसको कैसे टाइप करते हैं कौन कौन सी कीज उसके लिए रेस्पॉसिबल होती है सो so, जब भी आप कोई सेंटेंस लिखते हो या कोई पैराग्राफ लिखते हो तो उसमें आपको स्पेस देनी होती है है ना कुछ सर्टेन नंबर ऑफ कीज को प्रेस करना होता है सो यूज द स्पेस बार की टू इन सर्ट स्पेस बिटवीन टू वर्ड्स दो वर्ड्स को बीच में स्पेस देने के लिए यहाँ पे हम जिस की का यूज करते हैं वो होती है आपकी स्पेस बार और न्यू लाइन पे लाने के लिए हम जिस की का यूज़ करते हैं वो होता है एंटर की तो जब भी आप कोई सेंटेंस या कोई पैराग्राफ टाइप करते हो तो आपकी दो की अगेन एंड अगेन प्रेस होती है जिससे हम बात कर लें स्पेस बार ठीक है हर एक वर्ड के बीच में स्पेस देने के लिए एंटर

प्रॉपर पोजिशनिंग सारी फिंगर्स का यूज होगा पोजिशनिंग प्रॉपर होगी प्लेसिंग फिंगर्स ऑन द करेक्ट कीज इज द की फीचर ऑफ द गुड टाइपिस्ट यदि आप बहुत अच्छी टाइपिंग सीखना चाहते हो तो आपकी जो पोजिशनिंग होती है फिंगर्स की वो सही कीज़ पर होना चाहिए मतलब कि जैसे हमने बताया A, S, D, F, तो आपका जो लेफ्ट हैंड की है, एल और सेमी कॉलन फिर राइट हैंड right की जो चार फिंगर्स है आपकी वो यहाँ प्लेस होना चाहिए ये एक करेक्ट पोजिशनिंग होती है वाइल जब आप जैसे कीबोर्ड पे पर हाथ रखते हो टाइपिंग करना शुरू करते हो उसके पहले रेस्ट पोजिशन में जो कर प्रॉपर पोजिशनिंग होती है वो यही होती है ठीक है इंडेक्स फिंगर से फिर आप इन दोनों लेटर्स को फिर ऊपर के जो अपर और लोअर रो है ये होम रो की बात कर रहे हैं हम अपर लोअर रो है वहां पर भी आप अपनी फिंगर्स के थ्रू की प्रेस कर सकते हो सो कीप योर हैंड्स एंड फिंगर क्लोज टू द बेस पोजिशन दिस इंप्रूव टाइपिंग स्पीड एंड रिड्यूस स्ट्रेस ऑन दी हैंड्स एंड ऑल्सो हेल्प्स यू टू मेंटेन करेक्ट पोस्टर एंड अवॉइड हेल्थ क्लियर सो प्रॉपर पोजिशनिंग होनी चाहिए नेक्स्ट टाइपिंग एक्सरसाइज और प्रैक्टिस एक बार यदि आपने रूल्स समझ लिए आपको ये पता चल गया कि आपकी फिंगर्स किन पर्टिकुलर पर होना चाहिए किस फिंगर से कौन सी की को प्रेस करना है ये यदि आपको एक बार मेमोराइज हो गया एक बार समझ में आ गया तो उसकी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तभी आप एक गुड टाइपिस्ट बन सकते हो राइट सो टाइपिंग एक्सरसाइज और प्रैक्टिस की बहुत ज्यादा जरूरत होती है टाइपिंग स्किल्स कैन भी इंप्रूव बाय रेगुलरली टाइपिंग देखो वाई रेगुलरली टाइपिंग द प्रोवाइडेड विद इन द सॉफ्टवेयर सच एज रैपिड टाइपिंग सॉफ्टवेयर यहां पर बात हो रही है रैपिड टाइपिंग सॉफ्टवेयर की तो रैप टाइपिंग सॉफ्टवेयर के थ्रू या टाइपिंग मास्टर सॉफ्टवेयर के थ्रू आपको बहुत से ऐसे एक्सरसाइजेस मिलती है ऐसे गेम्स वगैरह मिल जाते हैं जिसके थ्रू आप अपने टाइपिंग स्पीड को इंप्रूव कर सकते हो आपको इसका रेगुलरली यूज करना है रेगुलरली प्रैक्टिस करना है प्रैक्टिस ऑफ टाइपिंग विल नॉट ओनली इंक्रीज द स्पीड ये सिर्फ आपकी स्पीड इंक्रीज नहीं करता है बल्कि एक्यूरेसी भी इंप्रूव होती है यहां पर है ना मतलब टाइपिंग करते टाइम जो गलतियां होती है ना कहीं ना कहीं वो गलतियां भी आपकी कम होती है तो एक्यूरेसी ऑटोमेटिकली मेंटेन होती है राइट प्रॉपर पोस्चर While typing, it is important for the user to maintain the correct posture as the ideal typing posture minimizes both static and dynamic muscle loads. करेक्ट पोजिशनिंग ऑफ द बॉडी हेल्प्स टू मेक यू अवॉइड हेल्थ कॉम्प्लिकेशन यदि आप सही पोजिशन में बैठते हो है ना प्रॉपर चेयर पर सही तरीके से आपका जो पोजिशन है वो सही रहता है स्ट्रेट बैठते हो हैंड्स सीधे रहते हैं है ना जो डिस्टेंस होना चाहिए वो यदि बराबर होती है आपकी पोजिशनिंग करेक्ट होती है इट मीन्स कि कहीं ना कहीं जो हेल्थ इश्यूज होते हैं वो नहीं होते हैं और आप सही तरीके से टाइपिंग कर सकते हो सो so, देखो यहाँ पर दोनों चीज़ें आपको बताई हुई है कि आपको किस तरीके से सही वे में प्रॉपर पोजिशनिंग में बैठना है जब भी आप कंप्यूटर लैपटॉप पर टाइपिंग करते हो तब Okay, now next. फ्यू पॉइंट बिलो कैन हेल्प दूसर टू में करेक्ट पोजिशन मेंटेन कैसे करना है ठीक है जब भी आप टाइपिंग करते हो वैल यू टाइपिंग सो उसके कुछ पॉइंट है जो आपको ध्यान रखनेज रिमेंबर टू कीप योर बैक स्ट्रेट जब भी आप बैठो टाइपिंग के लिए तो बैक स्ट्रेट होनी चाहिए कीप यर एल्बोज बैंट एट द राइट एंगल आपके जो एल्बोज है वो राइट right एंगल पर बैंड होना चाहिए ठीक है इस तरीके से कुछ राइट right एंगल को फॉर्म आपको करना है फेस दि स्क्रीन विद योर है फॉरवर्ड देयर शुड भी एटलीस्ट ट्वेंटी टू थर्टी इंचेस ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द आई ऑन द स्क्रीन जो कंप्यूटर स्क्रीन है या मॉनिटर जो स्क्रीन है वो और आपकी आई के बीच में ट्वेंटी टू थर्टी इंच का डिस्टेंस होना चाहिए इन अदर वर्ड्स यूर आउटस्ट्रेस्ड आर्म शुड बेरली टच द स्क्रीन ऑप्टिमम हाइट ऑफ द टेबल टॉप और अंडर डेस्क की बोर्ड ड्रॉवर इज ट्वेंटी एट टू थर्टी इंचोर ठीक है सो इसके अकॉर्डिंग यदि ये प्रॉपर आपने पॉइंट्स को फॉलो करा मतलब कि कहीं ना कहीं आप कंफर्टेबल वे में टाइपिंग सीख सकते हो नाउ द चेयर एंड द टेबल हाइट शुड बी चूजन सो एज टू एक्सपोज दोल्डर आर्म रिस्ट मसल टू द लीस्ट पॉसिबल स्ट्रेंथ द रिस्ट कैन टच द टेबल टॉप इन फ्रंट ऑफ द कीबोर्ड नेवर शिफ्ट इवन अ पोर्शन ऑफ योर बॉडी वेट टू द रिस्ट करने का क्या है? है ना? आपका जो एल्बो है और उससे जो एंगल बन रहा है वो नाइनटी डिग्री एंगल बनना चाहिए सो दिस इज द करेक्ट पोजिशनिंग जिससे आपकी हेल्थ पर कोई अफेक्ट नहीं पड़ता है बैक स्ट्रेट करके आपको बैठना है झुक कर नहीं बैठना है क्लियर नाउ अब आ गए हम नेक्स्ट दैट इज पॉइंटिंग डिवाइस इस चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट अभी तक हमने कीबोर्ड के बारे में अच्छे से समझ लिया रूल्स क्या होते हैं गुड टाइपिस्ट के वो हमने समझ लिए ठीक है कि आपको टाइपिंग सीखना है तो आपकी फिंगर्स वगैरह कहाँ किस तरीके से होना चाहिए अब यहाँ पर पॉइंटिंग डिवाइस की हम डिस्कस कर रहे हैं मतलब पॉइंटिंग डिवाइस भी कहीं ना कहीं एक इनपुट डिवाइस होता है जिसके थ्रू आप डायरेक्शन को है ना एंटर कर सकते हो इंस्ट्रक्शन एंटर कर सकते हो कंप्यूटर सिस्टम तक अब पॉइंटिंग डिवाइस में यदि हम इंक्लूड करें तो बहुत सारे पॉइंटिंग डिवाइस होते हैं लेकिन जो मोस्ट कॉमन पॉइंटिंग डिवाइस होता है जिसका यूज आप करते हो जिसके बिना कहीं ना कहीं आप कंप्यूटर कंप्यूटर में डिफिकल्टी से काम कर पाते हो यदि वो नहीं होता है पॉइंटिंग डिवाइस तो की मदद से आप कुछ भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हो कर्सर को स्क्रीन पर मूव करवा सकते हो किसी आइकन को किसी फाइल फोल्डर को ओपन करवा सकते हो राइट right? बहुत सारे ऑप्शन होते हैं जिसके लिए माउस यूज किया जाता है सो अ पॉइंटिंग डिवाइस एन इनपुट डिवाइस टू पॉइंट एट एन ऑब्जेक्ट ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन कंप्यूटर स्क्रीन पर ऑब्जेक्ट को पॉइंट करने के लिए पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस यूज किया जाता है यू कैन पॉइंट आप पॉइंट कर सकते हो किसी ऑब्जेक्ट को किसी टेक्स्ट को सिलेक्ट कर सकते हो किसी फाइल को

जिसके थ्रू ऑब्जेक्ट को आप डायरेक्शन प्रोवाइड कर सकते हो ठीक है पॉइंट करवा सकते हो लाइट पेन के थ्रू आप स्क्रीन पर ड्रॉइंग क्रिएट कर सकते हो टच पर टच स्क्रीन भी इसी तरीके से होते हैं ट्रैक बॉल आपने देखा होगा लैपटॉप के साथ में इनबिल्ड आता है थम से एक रोलर होता है जिसे थम से आप रोल करते हो तो कर स्क्रीन पर मूव करता है है ना सो so, ये सारे क्या हो गए आपके पॉइंटिंग डिवाइस हो गए अमंग दिस डिवाइस माउस इज दी मोस्ट पॉपुलर पॉइंटिंग डिवाइस इन सभी में माउस क्या है मोस्ट पॉपुलर पॉइंटिंग डिवाइस है अब माउस के बारे में हम डिस्कस कर लें सो माउस इज द मोस्ट कॉमनली यूज इनपुट एंड पॉइंटिंग डिवाइस दैट लेट्स यू एंड मूव आइटम्स ऑन द स्क्रीन इट हैज टू बटन व्हील क्या होते हैं इसमें दो बटन्स होते हैं और एक स्क्रोल व्हील होता है बीच में इसके थ्रू आप इन बटन्स के थ्रू क्या कर सकते हो आप लेफ्ट क्लिक कर सकते हो राइट right क्लिक कर सकते हो डबल क्लिक कर सकते हो स्क्रीन को अप एंड डाउन मूव करवा सकते हो है ना सो सिंगल क्लिक ऑफ लेफ्ट माउस बटन इज यूज्ड टू सिलेक्ट एन ऑब्जेक्ट वाइल डबल क्लिकिंग ऑन एन आइकन ओपन दी एप्लीकेशन यहाँ पे देखो ये माउस आपको दिख रहा है ये हो जाता है आपका लेफ्ट क्लिक और ये हो जाता है आपका राइट क्लिक ठीक है इन बटन पे आप क्लिक करते हो और कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करते हो लेफ्ट बटन से जो लेफ्ट क्लिक बटन होता है लेफ्ट बटन से आप दो ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो एक तो सिंगल क्लिक कर सकते हो और एक डबल क्लिक कर सकते हो ठीक है जब सिंगल क्लिक करते हो तो आप किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी भी एप्लीकेशन को सिलेक्ट करते हो किसी टेक्स्ट को सिलेक्ट तो सिंगल क्लिक से हम सिलेक्ट कर सकते हैं लेकिन वही डबल क्लिक से आप क्या कर सकते हो किसी भी आइकन पे जब डबल क्लिक करते हो या किसी फोल्डर पे डबल क्लिक करते हो तो वो आइकन वो फोल्डर वो पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन ओपन हो जाता है स्टार्ट हो जाता है सो सिंगल क्लिक सिलेक्शन के लिए होता है डबल क्लिक किसी भी एप्लीकेशन को ओपन करने के लिए होता है वही लाइन यहां पर लिखी हुई है ठीक है द राइट क्लिक राइट क्लिक क्यों यूज होता है राइट बटन यूज किया जाता है राइट क्लिक बटन आपका प्रॉपर्टी सेट करने के लिए किसके लिए प्रॉपर्टीज को सेट करने के लिए ठीक है किसी भी फोल्डर पर आइकन पर या किसी फाइल पर आप राइट right क्लिक करते हो तो राइट right क्लिक करने के बाद आपको एक मेन्यू दिखता है उस मेन्यू में आप कट कॉपी पेस्ट रीनेम सेटिंग्स प्रॉपर्टीज जैसे सारी चीजें मिल जाती है ना सो so, आप उससे रिलेटेड प्रॉपर्टीज को सेट कर पाते हो सो राइट क्लिक ओपन अ कॉन्टेक्स मेन्यू दैट कंटेन्स लिस्ट ऑफ कमांड्स यू कैन ऑल्सो प्रोसेस प्रॉपर्टी सेटिंग्स एंड वेरियस अदर ऑप्शन विद दाइट क्लिक सो होप यू अंडरस्टैंड दिस और सेंटर में इसमें एक स्क्रोल व्हील होता है इस स्क्रोल व्हील का काम होता है कि आप स्क्रीन को अप-डाउन, लेफ्ट राइट मूव करवा सकते हैं स्क्रोल व्हील के थ्रू राइट समझ में आ गया Now यू कैन easily मूव एन आइटम फ्रॉम वन लोकेशन टू another by using यूजिंग ड्रैग एंड ड्रॉप एक्शन ऑफ mouse. माउस माउस or और ड्रॉप एक्शन को भी परफॉर्म करता है ठीक है ड्रैक ड्रॉप एक्शन क्या होता है कुछ नहीं होता है सिंपल आपको क्या करना होता है किसी भी ऑब्जेक्ट को जब आपको एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करवाना है तो उसको आपको होल्ड करना है लेफ्ट क्लिक से और जहां पर आपको प्लेस करना है वहां ले जाके रिलीज कर देना है ठीक है तो इसे हम बेसिकली ड्रैग एंड ड्रॉप कहते हैं सो माउस इज ऑल्सो यूज इन ड्रॉइंग प्रोग्राम्स टू ड्रॉ फ्री हैंड लाइन सर्कल्स बॉक्स एंड अदर इमेजेस पैंड जैसे सॉफ्टवेयर पर यदि वर्क किया हो तो वहां आपने देखा

Uh, और साथ ही आप कर को भी बाय डिफॉल्ट द माउस इज कॉन्फिगर टू वर्क यूजिंग द राइट हैंड

माउस पॉइंटर अब माउस पॉइंटर कैसे दिखता है आपको हम इतनी देर से बात करें कि कर्सर मूव करता है स्क्रीन पर कर्सर को कंट्रोल कर सकते हो आप माउस के थ्रू है ना करसर कोई हम पॉइंटर बोल रहे हैं सो so बेसिकली ये माउस पॉइंटर कैसा दिखता है तो माउस पॉइंटर आपको इतने तरीके से शो होता है डिपेंड करता है आप कौन से माउस पॉइंटर को यूज करते हो यदि इंटरनेट आप एक्सेस करते हो किसी हाइपर को क्लिक करते हो तो आपको माउस पॉइंटर इस तरीके से दिखता है कोई डॉक्यूमेंट फाइल पे आते हो तो आपको माउस पॉइंटर इस तरीके से दिखता है है ना कोई इमेज वगैरह कोई सर्कल वर्कल ड्रॉ करते हो तो इस तरीके से प्लस का साइन भी आ जाता है सो होप आपने देखा होगा माउस पॉइंटर अलग अलग तरीके से दिखता है क्लियर कर्सर भी कुछ इस तरीके से आपको स्क्रीन पर दिखता है कैसे हम इस तरीके से बात कर लें तो कर्सर आपको शो होता है जब भी आप कुछ लिखते हो तो लाइक like दिस है ना हल्का सा इस तरीके से कर्सर टिल्ड वे में शो होता है ओके नाउ द माउस पॉइंटर अलाउस पॉइंटिंग ऑन द स्क्रीन इट अपियर्स एज यू मूव इट अराउंड द स्क्रीन नाउ टाइप्स ऑफ माउस कितने टाइप के माउस होते हैं तो देर आर थ्री टाइप्स ऑफ माउस वायर्ड वायरलेस माउस भी अवेलेबल है आजकल मार्केट में अदरवाइज तीन टाइप के माउस होते हैं मैकेनिकल ऑप्टो मैकेनिकल और ऑप्टिकल ये तीन टाइप के माउस हम पढ़ चुके हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता भी एग्जाम में क्लियर मैकेनिकल माउस क्या हुआ मैकेनिकल माउस में क्या होता था पहले जो माउस हुआ करते थे मैकेनिकल माउस हुआ करते थे जिसमें हम बोल सकते हैं कि एक सेंटर में ना बॉल लगी होती थी रबर की एक बॉल जो थोड़ा सा हैवी होती थी बॉल ठीक है इसकी वजह से माउस का वेट भी बढ़ जाता था और साइज में भी थोड़े बड़े आते थे अगर आजकल आपने माउस देखा होगा तो एज कंपेयर टू राइट तो उस रबर बॉल के रोटेशन पर जब वो रबर बॉल मूव करती थी रोटेट करती थी उसी के रोटेशन पर डिपेंड करता था कि स्क्रीन पर आपका कर्सर जो है पॉइंटर जो है वो मूव करेगा तो रबर बॉल का ही काम था कंट्रोल करना पॉइंटर को क्लियर सो द मैकेनिकल माउस एज अ रोलिंग रबर बॉल अंडर द केस ऑफ द माउस द मूवमेंट ऑफ द पॉइंटर इज कंट्रोल्ड बाई दी माउस बॉल ठीक है उस बॉल के थ्रू ही पॉइंटर का मूवमेंट कंट्रोल आप कर सकते थे क्लियर। so, क्या बताया मैंने यहाँ पर कि वो माउस माउस होते हैं, जहां पर क्या सेंटर में यहाँ पर एक रबर बॉल लगी होती थी है ना ये सेंटर में यहाँ एक रबर बॉल लगी होती थी और ये जो रबर बॉल है ये जब मूव करती थी उसी के अकॉर्डिंग स्क्रीन पर कर्सर मूव करता था राइट समझ में आया नेक्स्ट देख लो अब ऑप्टो मैकेनिकल ऑप्टो मैकेनिकल माउस क्या होता हैं इट वर्क सिमिलर टू वो मैकेनिकल माउस काम बिल्कुल वैसे ही करते हैं जैसे मैकेनिकल माउस काम करते हैं बट यूज ऑप्टिकल सेंसर्स टू मोशन ऑफ द बॉल बॉल को मूव करवाने के लिए यहाँ पे ऑप्टिकल सेंसर्स का यूज किया जाता था ऑप्टो मैकेनिकल में बस यही डिफरेंस है इसके बाद आती है बात ऑप्टिकल माउस तो अभी जो मैं बात कर रही थी दोनों टाइप के माउस की वो तो आजकल रेयर ही मिलते हैं ओके okay? जो ओल्ड कंप्यूटर्स हुआ करते थे सीआरटी वगैरह उसके साथ में आया करते थे ठीक है अब तो मेरे ख्याल से बहुत कम मिलेंगे आपको कहीं ओल्ड ऑफिस वगैरह में आप चले जाओगे जहां बहुत पुराना कंप्यूटर रखा होगा तो वहाँ शायद मिल भी जाए आजकल तो ऑप्टिकल माउस चलते हैं वायरलेस माउसेस चलते हैं राइट तो ऑप्टिकल माउस बेसिकली क्या होता है जो आपको यहाँ डायग्राम में दिख रहा है ठीक है स्मॉल इन साइज होता है लाइट इन वेट होते हैं इसमें कोई रबर की बॉल यूज नहीं होती है मूवमेंट करवाने के लिए कर्सर की यहां पे लेजर लाइट का लेजर लाइट का बेसिकली यूज किया जाता है ऑप्टिकल लाइट का हम बोल सकते हैं द ऑप्टिकल माउस यूज लेजर टू कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ पॉइंटर इट डज नॉट हैव अ बॉल इसमें कोई बॉल नहीं होती है यू कैन सी द लाइट बाई टिल्टिंग द माउस ठीक है जब भी माउस मूव करता है तो आप उसमें लाइट देखते हैं उसमें चमकती होगी ब्लू या रेड कलर की लाइट इस तरीके से क्लियर सो so, इसके थ्रू माउस के पॉइंटर को आप कंट्रोल कर सकते हो स्क्रीन पर सो so, ये तीन टाइप के माउसेस हुए हैं होप आपको समझ में आएंगे कि इंपॉर्टेंट भी है डियर स्टूडेंट से आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं क्लियर नाउ कॉमन माउस एक्शंस अब कॉमन कौन कौन से माउस के एक्शंस होते हैं मतलब माउस कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म करता है बेसिकली क्या काम होता है सबसे पहला काम क्लिक और लेफ्ट क्लिक जैसा अभी हमने डिस्कस किया माउस कल जो लेफ्ट बटन होता है उसके थ्रू आप दो काम करवा सकते हो या तो आप लेफ्ट क्लिक कर सकते हो एक सिंगल क्लिक जिसे हम कहते हैं या फिर डबल क्लिक करवा सकते हो सो लेफ्ट क्लिक का यूज क्यों किया जाता है इट इज यूज टू सिलेक्ट को सिलेक्ट करने के लिए प्लेस द माउस पॉइंटर ऑन द आइटम टू बी सिलेक्टेड देन प्रेस द लेफ्ट माउस बटन वंस विद योर इंडेक्स फिंगर हम जब भी माउस को यूज करते हैं तो अपने इंडेक्स फिंगर से आप लेफ्ट बटन को यूज करते हो और आपकी मिडिल फिंगर से आप राइट right बटन को यूज करते हो है ना क्लियर है अच्छे से तो इंडेक्स फिंगर के थ्रू ही आप क्या कर सकते हो सिलेक्शन करवा सकते हो डबल क्लिक कर सकते हो ठीक है द डिजायर्ड आइटम्स गेट सिलेक्टेड तो जो भी आपने आइटम को सिलेक्ट किया है क्लिक किया है वो डिजायर्ड आइटम आपका सिलेक्ट हो जाएगा डबल क्लिक का मतलब क्या हुआ इट इज यूज टू स्टार्टअप प्रोग्राम किसी भी प्रोग्राम को स्टार्ट करना है किसी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को ओपन करना है आपको उसका यूज करना है तो बेसिकली हम उस पर डबल क्लिक करते हैं ये भी इंडेक्स फिंगर से आपको दो बार उसी बटन को क्विकली प्रेस करना होता है जब डबल क्लिक होता है ठीक है सो इट इज यूज टू स्टार्ट अ प्रोग्राम ओपन अ फाइल और ट्रिगर एन एक्शन यू हैव टू क्लिक द लेफ्ट माउस बटन ट्वाइस क्विकली तब डबल क्लिक होता है क्लियर नेक्स्ट देखो आप राइट क्लिक राइट क्लिक का क्या मतलब हुआ इट इज यूज टू डिस्प्ले कंटेक्स मेन्यू और प्रॉपर्टीज मतलब यदि आपको किसी भी ऑब्जेक्ट से रिलेटेड प्रॉपर्टी को सेट करना है माउस के थ्रू तो माउस के राइट क्लिक बटन का आप यूज करते हो तो राइट क्लिक बटन को जनरली हम मिडिल फिंगर से यूज करते हैं मूव द माउस पॉइंटेड टू द डिजायर्ड पोजिशन एंड प्रेस द राइट बटन ऑफ द माउस द कंटेस्ट मेन्यू विल ओपन यहां देखो डायग्राम में इस फोल्डर पर यदि आप राइट right क्लिक करते हो कौन सा क्लिक करते हो माउस बटन से राइट right क्लिक करते हो तो जब आप राइट right क्लिक करते हो तो इस तरीके का एक मैन्यू दिखता है जहां पे आपको

माउस के लेफ्ट बटन को आप प्रेस करोगे और यहाँ पे रिलीज नहीं करोगे यहाँ से प्रेस करके कहाँ पे रिलीज करोगे यहाँ पे रिलीज करोगे क्योंकि आप इस फोल्डर को यहाँ पे चाहते हो राइट तो आपने लेफ्ट बटन से इस पर्टिकुलर फोल्डर को सिलेक्ट किया और प्रेस करके रखा है फिर आप माउस को मूव करके जिस पोजिशन पर आपको स... पर्टिकुलर इस फोल्डर को पेस्ट करना है लेकर जाना है वहां पे ले जाके आप माउस के लेफ्ट बटन को रिलीज कर दो तो ये फोल्डर से उठ के आपको इस पोजीशन पे दिखेगा जिससे हम ड्रैग एंड ड्रॉप कहते हैं सो इट अलाउज यू टू टू एंड मूव एन एन आइटम फ्रॉम वन लोकेशन द द माउस ऑन ऑब्जेक्ट होल्ड डाउन लेफ्ट माउस बटन ऑफ द माउस एंड ड्रैग द ऑब्जेक्ट टू द पोजिशन वेयर यू वॉन्ट टू प्लेस इट एंड रिलीज द बटन जो मैंने लाइन बताई आपको स्टेप्स बताई वही स्टेप्स यहां लिखी है क्योंकि ऐसा क्वेश्चन बनता है एग्जाम में वट आर द स्टेप्स फॉर ड्रैग एंड ड्रॉप ऑप्शन Operation. Yeah, what are the steps? फॉर ड्रैगन ड्रॉप एक्शन ठीक है ऐसा कुछ क्वेश्चन आएगा एग्जाम में तो यही स्टेप्स आपको लिक करानी है ना यू कैन सी दी आइटम एट द न्यू लोकेशन सो माउस भी समझ में आ गया पॉइंटिंग डिवाइस क्यों यूज किया जाता है बेसिकली ओके थर्ड इसका नेक्स्ट ऑपरेशन होता है दैट इज स्क्रोल स्क्रोल करने के लिए भी आप इसका यूज करते हो स्क्रोल मतलब की यहां पर जो सेंटर में स्क्रोल व्हील दिखता है ना जो आपका माउस होता है यहाँ पे दो बटन होते हैं राइट ये हो गया आपका लेफ्ट बटन और यहाँ पे ये यह होता है आपका राइट क्लिक बटन समझ में आया अब ये जो सेंटर में होता है यहां पर होता है ये स्क्रोल व्हील ठीक है क्लियर है ना तो अब इस स्क्रोल व्हील की मदद से आप स्क्रोल एक्शन भी परफॉर्म कर सकते हो मतलब स्क्रीन को आप अप एंड डाउन मूव करवा सकते हो स्क्रीन में आपने देखा ना यहाँ पे स्क्रोल बार्स होती हैं तो ये जो स्क्रोल बार्स होती हैं ना इन स्क्रोल बार्स के थ्रू आप स्क्रीन को स्क्रोल भी कर सकते हो अप डाउन ठीक है इस पर्टिकुलर स्क्रोल व्हील के थ्रू सो यू कैन यूज दिस स्क्रीन स्क्रोल व्हील ऑन द माउस टू मूव द पेज अप और डाउन इन स्टेड ऑफ यूजिंग द पेज डाउन और पेज अप कीज ऑफ द केरो मतलब अगर स्क्रोल का यूज नहीं करना है तो की बोर्ड में दो कीज होती है पेज अप पेज डाउन की आप उनका भी यूज कर सकते हो यदि उनका यूज नहीं करना है तो आप स्क्रोल का भी यूज कर सकते हो दोनों ऑप्शन है माउस और की बोर्ड दोनों के थ्रू आप स्क्रीन को अप एंड डाउन मूव करवा सकते हो राइट नाउ सिलेक्टिंग एंड ब्लॉकिंग सिलेक्टिंग और ब्लॉकिंग का मतलब क्या हुआ टेक्स्ट को भी आप सिलेक्ट कर सकते हो लेफ्ट क्लिक के थ्रू सो ब्लॉकिंग इज अनादर वे ऑफ सिलेक्टिंग टेक्स्ट सिलेक्टिंग ब्लॉकिंग का मतलब क्या हुआ टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के लिए भी माउस यूज किया जाता है क्लियर सो इट इज यूज टू सिलेक्ट टेक्स्ट दैट नीड्स टू बी एडिटेड और फॉर्मेटेड जो भी टेक्स्ट को आपको एडिट करना है फॉर्मेट करना है तो आप क्या करते हो सबसे पहले टेक्स्ट सिलेक्ट करते हो कोई भी एडिटिंग या फॉर्मेटिंग आप बिना सिलेक्शन के नहीं कर सकते हो सपोज आपको किसी टेक्स्ट का फॉन्ट चेंज करना है फॉन्ट साइज बढ़ाना है घटाना है ठीक है बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन करना है तो आपको उस टेक्स्ट को पहले सिलेक्ट करना होगा सिमिलरली यदि आपको किसी इमेज को क्रॉप करना है या किसी इमेज का कलर चेंज करना है ठीक है या आपको कोई ऑब्जेक्ट ड्रॉ करना है तो आपको सबसे पहले उस पर्टिकुलर ऑप्शन को या पर्टिकुलर इमेज को सिलेक्ट करना होगा सो सिलेक्टिंग ब्लॉकिंग भी माउस के थ्रू होता है क्लियर सो इट इज यूज टू सिलेक्ट टेक्स्ट दैट नीड्स टू बी एडिटेड और फॉर्मेटेड क्लिक एट द बिगिनिंग ऑफ द वर्ड और सेंटेंस एंड होल्ड डाउन द लेफ्ट माउस बटन एंड ड्रैग अलॉन्ग द टेक्स्ट क्या करना होता है आपको जो भी टेक्स्ट आपको सिलेक्ट करना है सपोज आपको मैग्नेट इसको क्या करना है बोल्ड शो करना है ठीक है तो आप सबसे पहले क्या करोगे माउस के बटन को होल्ड करोगे सबसे पहले तो आप कर्सर यहाँ लेकर आओगे सपोज आपने यहाँ आप कर्सर प्लेस किया कर्सर प्लेस करने के बाद क्या करोगे आप सिलेक्शन करोगे राइट तो

और टॉपिक वाइज वीडियोस उसके देखेंगे जिसमें हम रैपिड टाइपिंग सॉफ्टवेयर के बारे में डिस्कस करेंगे ठीक है अभी तक तो हमने सिर्फ रूल्स समझे यदि रूल्स आपने समझे तो नेक्स्ट जो चैप्टर है आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो, हो जाएगा राइट अब ये जो चैप्टर था ये सिर्फ आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है बल्कि हर एक वो पर्सन के लिए इंपॉर्टेंट है जो टाइपिंग सीखना चाहता है क्योंकि इसमें हमने कहीं ना कहीं कहिन सारे रूल्स को डिस्कस किया है जिसकी मदद से आप एक गुड टाइपिस्ट बन सकते हो बस जरूरत किस चीज़ की जरूरत इसकी है कि आप रूल्स को पढ़कर रेगुलरली प्रैक्टिस करो राइट सो मैग्नेट मैग्नेट्रीन आपको ना सिर्फ के ट्वेल्व बल्कि सीबीएसई बी एस सीन टी एस सी स्पोकन इंग्लिश यूपी बिहार बोर्ड जैसे कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन भी करवाता है हंड्रेड फ्री विद हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ राइट और आप तो डियर स्टूडेंट्स मैग्नेट ब्रीन्स आपको बुक्स और ई e बुक्स की फैसिलिटी भी प्रोवाइड कर रहा है मतलब यदि आप चाहते हो किसी सब्जेक्ट की बुक्स या ई e बुक्स को एक्सेस करना या फिर आपको स्पेशल सैंपल पेपर्स एमसीक्यूज एनसीआर सॉल्यूशंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर जैसे बुकलेट को एक्सेस करना तो वो पॉसिबल है क्या करोगे इसके लिए डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दिखेगी उस पर क्लिक करना एक गूगल फॉर्म दिखेगा आपको उस फॉर्म को फिल कर देना अपनी नीड के अकॉर्डिंग जिस भी सब्जेक्ट की आपको बुक चाहिए टीम आपसे कंसल्ट करेगी और आपको बुक्स बुक्स फैसिलिटी प्रोवाइड करेगी सो मैग्नेट मैगन आपको 100 परसेंट फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड करता है ताकि आप अपने एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स को स्कोर कर सकते हो साथ ही साथ अपने लाइफ में कुछ बहुत अच्छा अचीव अच्छा कर सकते हो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट न्यू चैप्टर के साथ टिल देन स्टे ईयर हैप्पी थैंक यू सो